हेलो एवरीवन, चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। हमारे नेबर कंट्री है बांग्लादेश, उसके बारे में देखते हैं कि कैसे बांग्लादेश फॉर्मेशन हुआ, कैसे बना, और फिर इसमें कैसे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 71। जो बांग्लादेश है पहले वो पाकिस्तान का पार्ट था 47 से लेकर 71 तक, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इससे पहले किसका पार्ट था? 47 से पहले बांग्लादेश इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, ओके। तो यहाँ पर क्या है, एक पुरानी बात है, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने, जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था और एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का डिवाइड किया था, विभाजन किया था, दो टुकड़ों में बांट दिया था, ठीक है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे साइड है अभी भी, और वेस्ट बंगाल में जो है वो बंगाली हिंदू लोग थे ज़्यादा मेजोरिटी में, और ईस्ट बंगाल में बंगाली मुस्लिम थे जो मेजोरिटी में थे वहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ बाद में, जब 47 में इंडिया इंडिपेंड हुआ और पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि जो ईस्ट बंगाल है जहाँ पे मेजोरिटी है मुस्लिम्स की, वो भी पाकिस्तान को मिलना चाहिए। इसी बेस पर पाकिस्तान को दे दिया गया, और पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बना था, ठीक है, बीच में इंडिया था और ईस्ट में ईस्टर्न पाकिस्तान था, वेस्ट में वेस्टर्न पाकिस्तान था, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, जब 71 में जो बांग्लादेश के लोग, बंगाली लोग हैं ईस्टर्न पाकिस्तान के, वो डिमांड करेंगे पाकिस्तान से अलग होकर एक नई कंट्री बनाएंगे, उसका नाम होगा बांग्लादेश। अब इसको देख लेते हैं क्या यहाँ पे डिमांड थी, कौन लीडर था, और किस बेस पे ये बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ है, पाकिस्तान से अलग हुआ है ये, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, वो डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान, जो यहाँ है पाकिस्तान वेस्टर्न, जो आज का पाकिस्तान है, वो उसका डोमिनेंस था पूरे एरिया के ऊपर, वेस्टर्न में भी और ईस्टर्न में भी। और जो लैंग्वेज है उर्दू, उर्दू लैंग्वेज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वेस्टर्न पाकिस्तान की, लेकिन ईस्टर्न पाकिस्तान जो है, जो बांग्लादेश है, बंगाल था, वहाँ लोग बंगाली कल्चर और बंगाली लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब वेस्टर्न पाकिस्तान ने उर्दू लैंग्वेज को वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहा ईस्ट बंगाल में या ईस्टर्न पाकिस्तान में, तो उनके लोगों ने इसका अपोज किया, विरोध किया, ठीक है। फर्स्ट तो ये है पॉइंट इसके अंदर। सेकंड पॉइंट ये है कि जो बंगाल बांग्लादेश है उसमें लैंग्वेज है बंगाली, और उन्होंने डिमांड की कि हमारा जो कल्चर है बंगाली कल्चर और लैंग्वेज, वही हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे बांग्लादेश के अंदर, इस एरिया के अंदर, ईस्टर्न एरिया के अंदर, ठीक है, और उर्दू लैंग्वेज को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक। तो उनका केवल रिलीजन सेम है, मुस्लिम है, लेकिन है वो बंगाली लोग जो पहले हिंदू थे, कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हुए हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि वहाँ के लोग इस बात का विरोध करते हैं कि वेस्टर्न पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, ईस्टर्न पाकिस्तान से यानी बंगाली लोगों से अच्छा बिहेव नहीं करती है, उसको बोलते हैं अनफेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। तो पॉइंट होगा कि उर्दू लैंग्वेज, सेकंड है अनफेयर ट्रीटमेंट, थर्ड है बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज, ठीक है, तीन पॉइंट हो गए आपके, इनको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट क्या है, दे आल्सो डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ए फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर, यानी कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं, बंगाली लोग हैं, उनको पॉलिटिकल पावर में डोमिनेंस नहीं है, पावर शेयरिंग के ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी क्या करें, एक शेयरिंग करें पावर्स की, ठीक है, या तो इक्वलिटी के बेस पे हो, या फिर क्या किया जाए, हमारे कुछ यहाँ पर डिवाइड किया जाए कि इतने MLA या MP जो है वहाँ से आएंगे ईस्टर्न से, इतने वेस्टर्न से आएंगे, ठीक है। तो इस डिमांड के बेस पर ये लोग डिमांड करें पॉलिटिकल पावर की। डिमांड करने वाला लीडर कौन है और कौन सी पार्टी है, ये देख लो एक बार। अगला है शेख मुजीबुर रहमान लीड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्टर्न पाकिस्तानी डोमिनेंस, ठीक है।
तो जो वेस्टर्न पाकिस्तानी डोमिनेशन है, दबदबा है उसका ईस्ट के ऊपर, उसका विरोध कर रहा है एक लीडर, उसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। ये कौन है? फाउंडर ऑफ बांग्लादेश है ये, ठीक है। इसको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, ये पॉइंट नोट कर लो, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश कंट्री, फादर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। ये है वो शेख मुजीबुर रहमान। ये मूवमेंट चलाएगा, स्ट्रगल करेगा वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेशन के खिलाफ, दबदबा के खिलाफ, और डिमांड करेगा अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए यहाँ पे, ठीक है। ही डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर द ईस्टर्न रीजन, जो बंगाली है ईस्ट में, उस रीजन के लिए, उस एरिया के लिए ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहा है ये। ऑटोनॉमी कहता है अपने खुद की पावर होना अपने एरिया में, ठीक है। ये और क्या पॉलिटिक्स के अंदर, अब क्या हुआ, 70 में इलेक्शन हुआ यहाँ पे, 1970 में इलेक्शन होंगे बंगाल में या पाकिस्तान में मान लो, तो वहाँ पर जो पार्टी है अवामी लीग पार्टी, ये किसकी पार्टी है? यहाँ पर कुछ पार्टीज के नाम आएंगे, कुछ लीडर्स के नाम आएंगे, कुछ जनरल्स के नाम आएंगे, अपने नोट करने इस चीज़ को। अवामी लीग पार्टी है ये बांग्लादेश की, और इसका लीडर है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और ये जो पार्टी है ये यहाँ पर जीत जाएगी और मेजोरिटी कर लेगी ये ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इलेक्शन में 70 वाले इलेक्शन में अवामी लीग जीत जाती है, मेजोरिटी बना लेगी और अपना संविधान बनाने के लिए यहाँ पर वो क्या करते हैं, प्रपोज रखते हैं। लेकिन ये तो ईस्टर्न पाकिस्तान की बात है, जो वेस्टर्न पाकिस्तान है वहाँ पर अभी भी डोमिनेंस किसका है, वहाँ पर डोमिनेंस है जो वेस्टर्न पाकिस्तान लीडर है उनका डोमिनेंस है, ठीक है। वो रिफ्यूज कर देंगे, ये देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, बट द गवर्नमेंट डोमिनेट बाय वेस्टर्न पाकिस्तानी लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वे द असेंबली, जो असेंबली का मैसेज है वो इसको क्या कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे कि हम तुम्हारे जो है नए संविधान नहीं बना रहे और ना को पॉलिटिकल राइट दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाकिस्तान जो है वेस्टर्न पाकिस्तान वो अपनी आर्मी भेज देगा बांग्लादेश में बंगाली लोगों को मारने के लिए, ठीक है। और जो शेख मुजीबुर रहमान है उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यही है, शेख मुजीबुर रहमान वाज अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिया जाता है इसको और वहाँ बंगाली पीपल्स को मारा जाता है, जो मास मूवमेंट चलाए हुए हैं ना उनको धमकाया जाएगा, मारा जाएगा। कौन आएगा? देखो पाकिस्तान से आएगा आर्मी चीफ जनरल याहिया खान, अपनी मिलिट्री भेजेगा यहाँ पे, ठीक है। अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याहिया खान द पाकिस्तान आर्मी ट्राई टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल, जो बंगाली लोग मूवमेंट कर रहे हैं ईस्ट साइड में ईस्टर्न पाकिस्तान में, उनको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी आएगी। और जनरल कौन है? जनरल याहिया खान, ध्यान रखना इस नाम को, बार बार आएगा ये, ठीक है। आगे क्या है, थाउजेंड वर किल्ड बाय पाकिस्तान, यानी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे आर्मी के द्वारा, और लोग बचने के लिए कहाँ भागेंगे, जो बंगाली है उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी, बहुत सारे लोग हैं, वो बच के कहाँ घुस जाएंगे, वो इंडिया में घुस जाएंगे, ठीक है। क्यों? इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री लगती है, उस टाइम पे हमने बाउंड्री पे कोई वहाँ पे ना आर्मी खड़ी कर रखी थी, ना ही वहाँ पे हमारे कोई तार लगे हुए थे, इसलिए बाउंड्री ओपन थी, तो लोग वहाँ से घुस के इंडिया में घुस के बंगाल में, बिहार में, असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में, हर जगह घुस गए, ठीक है। तो लगभग 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में, रिफ्यूजी के रूप में इंडिया में घुस के, उसको बोलते हैं इलीगल इमिग्रेशन, यानी कि वो बिना किसी कागज दस्तावेज के, बिना पासपोर्ट के आए थे इंडिया में, ठीक है। और उसी के लिए अभी इंडिया में ये बनाया गया है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल बनाया गया है, ठीक है। इस बिल को पास करके कानून बना दिया है, अब ये बन गया है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, संविधान में शामिल हो गया है कि जो लोग बाहर से आए हैं धर्म के आधार पर, तंग किए हुए हैं बेचारे, उनको तो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो माइनॉरिटी के लिए बनाया गया कानून है ये, जो माइनॉरिटी आई थी बांग्लादेश से या पाकिस्तान से तंग होकर आई थी, ठीक है, उनको रखने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इतने लोग मारे गए, बाकी लोग इंडिया में आ गए, इसको बोलते हैं लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या बनेगी हमारे लिए, आज भी समस्या बनी हुई है, 1 करोड़ लोगों का बोझ हमारे ऊपर पड़ गया, ठीक है। तो आगे ध्यान देना इस चीज़ को, जो ये रिफ्यूजी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बन के उभरेगी। अब क्या है, लेकिन उस टाइम जब ये वार हो रहा था, लोग परेशान थे, हमने हेल्प करनी चाहिए कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, जब
फॉर्मेशन हुआ था बांग्लादेश का, या अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ईस्टर्न पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, तो इंडिया का क्या डिसाइड था, कैसे डिसीजन था? हमारा डिसीजन ये था कि हमने सपोर्ट किया था उस चीज़ को, ठीक है, सपोर्ट किया हमने ईस्टर्न पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को, सपोर्ट किया हमने उसको, स्ट्रगल को सपोर्ट किया, और हमने उनकी हेल्प भी की थी फाइनेंशियली और मिलिट्री, ध्यान रखना ये पॉइंट है वो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड हेल्प दम, उनकी हेल्प की फाइनेंशियली और मिलिट्री, दोनों हमने हेल्प की थी, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमने क्या किया, तो हमने हेल्प की थी। अब ध्यान देना, जब हम हेल्प करेंगे, मिलिट्री भेजेंगे, तो क्या होगा, पाकिस्तान और इंडिया का वार हो जाएगा, ठीक है, ए वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971, 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध है ये, ठीक है, हमने पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो ये वार होता है, इस वार में हम जीत जाएंगे और एक नया देश बनेगा बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न पाकिस्तान क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडिया फॉर्मेशन इन बांग्लादेश एज ए न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री, तो इसमें क्या है, इंडिया का रोल क्या था वो बताना है हमने। इसमें हमने सारे पॉइंट लिखने हैं कि इंडिया से हेल्प मांगी गई, इंडिया ने उसकी हेल्प की, उसकी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया, लोगों के कल्चर को सपोर्ट किया, उनके जो रिफ्यूज़ है उनको हमने शरण दी, उनको रखा, और मिलिट्री पावर के लिए हमने हेल्प दी, और मनी पावर के लिए भी हमने हेल्प दी थी, और एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश के फॉर्मेशन में हमारा इंडिया का रोल था ये, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, उस टाइम पर 71 में इंडियन पीएम कौन थे, ये आपने देखना है, मिसेज इंदिरा गांधी थी वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश का, ये तो हो गया फॉर्मेशन, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, अब देखना है कि वहाँ पर मिलिट्री रूल रहेगा या इंडिपेंडेंस जो है डेमोक्रेसी रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है पॉइंट ये, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, बांग्लादेश ड्राफ्टेड इस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। ये देखो, बांग्लादेश ने अपना नया संविधान बनाया, उसमें डिक्लेयर किया कि वो तीन पॉइंट पर विश्वास करता है, कौन से विश्वास है वो, एक है सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, दूसरा क्या है डेमोक्रेसी लोकतंत्र, तीसरा है सोशलिज्म यानी समाजवाद। ये तीन पॉइंट ले लिए, ये हमारे संविधान में भी है, बहुत सारे जो है इंडिपेंडेंस कंट्री है उनके संविधान में होता है ये सब, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है इसको ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, स्टेबल नहीं कर पाएगा बांग्लादेश, ठीक है। अब देखो 1975 शेख मुजीबुर रहमान जो फादर ऑफ बांग्लादेश है, शेख मुजीबुर रहमान क्या करेगा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देगा, मुजीब गोड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या चेंज कर दिया उसने, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया, कैसे, पहले था वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम था, पार्लियामेंट थी, पीएम जून हुआ करता, पीएम के पास पावर थी, लेकिन इसने क्या किया, संविधान में अमेंडमेंट कर दिया, चेंज कर दिया, और एक सिस्टम चेंज करके ये बना दिया कि प्रेजिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज कर ली, अडोप्ट कर ली, यानी कि अब से क्या होगा, प्रेजिडेंट पावरफुल होगा ज़्यादा पीएम से, और खुद को इलेक्टेड करवा लिया एज ए प्रेजिडेंट, ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान ने यहाँ पे क्या कर लिया, अपनी पार्टी को तो रख लिया, बाकी सारी पार्टी को वो रिमूव कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है, और खुद प्रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने आप ही क्या किया उसने, ही आल्सो अबॉलिस्ड ऑल पार्टी, सभी पार्टियों को ख़त्म कर देगा एक्सेप्ट हिज ओन, अपने को छोड़ के, अपने पार्टी तो रख ली आवामी लीग, बाकी पार्टियाँ ख़त्म कर दी। जब मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं रहा, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं रहा, तो क्या हो गया, ये डेमोक्रेसी खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 71 में बना था ये फॉर्मेशन हुआ था, 75 में ही क्या हुआ, यहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, ओके। अब जो लोग हैं यहाँ की पब्लिक है वो बड़े परेशान होगी, टेंशन होगी, और वो यहाँ पे मूवमेंट करना शुरू करेगी, नाराज है वो, इसी जो है रास्ते का फायदा उठाकर, इसी हालात का फायदा उठाकर आर्मी जो क्या करेगी, आर्मी यहाँ पर अपराइजिंग कर देंगी, विद्रोह कर देगी, और इसको शेख मुजीबुर रहमान को मार देगी, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट है, ही वाज असासिनेटेड इन ए मिलिट्री अपराइजिंग इन अगस्त 1975 में मारा जाएगा ये।
कौन आ जाएगा? मिलिट्री का चीफ जनरल जियाउर रहमान यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो अपनी पार्टी बना लेगा। अगर नहीं, क्या पार्टी बनाएगा? बांग्लादेश नेशनल पार्टी। आप सेकंड पार्टी का नाम आ गया यहाँ पे, पहली पार्टी का नाम था अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की, सेकंड पार्टी ये है जनरल जियाउर रहमान की पार्टी है, इसका नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ठीक है। और इलेक्शन में जीत जाएंगे 79 वाले में, ठीक। जनरल जियाउर रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी वोन इलेक्शन इन 79। ही वाज, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब ये बना था बेचारा, लेकिन इसको कोई दूसरा जनरल आएगा वो मार देगा। यानी कि कभी यहाँ पे डेमोक्रेसी, कभी किसी का रूल, कभी किसी का रूल, हमेशा ये रहा लगातार, ठीक है। और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, स्टेबल नहीं हो पाई। ही वाज assassinated and another military takeover followed under the leadership of General H.M. Irshad। यहाँ पे आएगा लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद, वो क्या करेगा, जियाउर रहमान को मार देगा और गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक है अब यहाँ पर क्या कर रही है, डेमोक्रेसी की डिमांड कर रही है, और इसीलिए जो इरशाद है वो क्या करेगा, अलाउ कर देगा पार्टीज को, लेकिन लिमिटेड स्केल पे करेगा, ठीक है। इरशाद वाज फोर्स्ड टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन ए लिमिटेड स्केल, और अपने आप को क्या करवा लेगा, जनरल इरशाद भी अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड करवा लेगा अपने आप को, ठीक है। तो जिसके हाथ में पावर है वो खुद ही अपने आप को प्रेसिडेंट अपने आप को इलेक्ट करवा लेता है। तो ये सीन था यहाँ पर, लेकिन पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा ही मूवमेंट बना रही है, अपोज कर रही है, इसलिए इरशाद को पद छोड़ना पड़ेगा और बाद में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बाद में देखो इलेक्शन कब हुआ यहाँ पे और डेमोक्रेसी स्टेबल हुई, 1991 इलेक्शन वर हेल्ड एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शन हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। उसके बाद से क्या है, 91 के जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद से लगातार डेमोक्रेसी है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, इलेक्शन होते हैं, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी स्टेबल हो गई है। लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जिनका इतिहास यही रहा है, कभी डेमोक्रेसी कहीं, कभी मिलिट्री रूल। ओके, ये हो गया बांग्लादेश। आगे देखते हैं, एक और है, ये है नेपाल। हमारे पास छोटी सी कंट्री है नेपाल, और ये यहाँ पे पहले क्या था, मोनार्ची थी। मोनार्ची होता है किंग, जहाँ पे किंग रूल करता हो, ठीक है। यहाँ पहले किंग था, बाद में मोनार्ची खत्म होकर यहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेपाल वाज ए हिंदू किंगडम इन द पास्ट, पहले हिंदू किंगडम था, हिंदू राज था, बाद में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बना, यानी कि संविधान भी रहा, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहा और मोनार्ची भी रही, यानी कि राजा भी रहा, संविधान भी रहा। बाद में क्या हुआ, जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी हैं, पीपल्स हैं, कॉमन पीपल हैं नेपाल के, वो डिमांड कर रहे हैं किस चीज़ की, एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, लेकिन किंग क्या कर रहे हैं, किंग के पास पावर है, किंग के पास है मिलिट्री की, आर्मी की पावर है, बट द किंग विद द हेल्प ऑफ आर्मी रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर लेगा आर्मी की सहायता से राजा किंग, और क्या कर देगा, जो डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा यहाँ पर डेमोक्रेसी को नेपाल के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट था यहाँ पे। अब आपने देखना है कि किंग ने ख़त्म तो कर दिया, लेकिन बहुत बड़ा मास मूवमेंट यहाँ पे चलेगा, स्ट्रगल चलेगी और कई पार्टियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, एक अलायंस बनाएंगी, 7 पार्टी मिलके, उसको कहेंगे 7 पार्टी अलायंस, साथ में आम पब्लिक भी हैं, और साथ में एक वहाँ पर माओइस्ट ग्रुप बनेगा, यानी कि माओ के फॉलोवर हैं जो मानने वाले, वो आएंगे, वो भी एक ग्रुप बना के यहाँ पर स्ट्रगल करेंगे आर्मी बना के। आगे बढ़ेंगे इसको, देखो यहाँ पर है, फर्स्ट यहाँ पर आएगा द माओइस्ट नेपाल। ये माओइस्ट कौन थे, कौन थे माओ, अगर क्वेश्चन आ जाए हु वाज माओ, माओ अपने पढ़ा होगा पहले चाइना का लीडर था, चाइना में माओ ने आर्मी बनाकर गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल किया, फिर वहाँ पर अपने जो प्रोग्राम हैं इकोनॉमिक एंड सोशल के, उन सब को वहाँ पे लागू करवाया और कई साल जो है राज किया चीन के ऊपर।
तो वो ना माओ था, उसने अपनी आर्मी बनाई थी। तो ऐसे ही जो माओ के आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, वो माओस्ट कहलाते हैं। ठीक है, MAO माओ, माओ को मानने वाले माओस्ट। ये नेपाल में, चाइना में, इंडिया में भी बहुत सारे हैं इस तरह के लोग, आर्मी बना के नक्सलवाद फैलाते हैं जिस तरह से वो। ठीक है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है माओस्ट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी आर्मी बना रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा, हु वाज माओस्ट। सेकंड ये आएगा, वो क्या बिलीव क्या करते, कैसे काम क्या करते, क्या थॉट्स हैं उनके। यहाँ पे लिखना अपने, ये पॉइंट है, दे बिलीव्ड इन, जो माओ है वो क्या बिलीव क्या करते, दे बिलीव्ड इन आर्म्ड इंसर्रेक्शन। इंसर्रेक्शन क्या होता है, विद्रोह करना, आर्मी बना के विद्रोह करना। किसके खिलाफ है, अगेंस्ट द मोनार्क्स, किंग के खिलाफ है, और द रूलिंग एलाइट, जो रूलिंग करने वाले जो ऑफिसर हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ है। क्या करेगा, ये आर्मी बना के स्ट्रगल करेगा। ठीक है, ये बिलीव है इनका। एक पॉइंट और आवश्यक में आगे बताऊंगा आपको मैं, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बताएगा। ठीक है, ये पांच नंबर का या चार नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, एक का बनेगा, हुआ माउस्ट। तो ये क्या करेंगे, वायलेंस करेंगे, यानी कि इनका जो प्रदर्शन होगा, मूवमेंट होगा, वो कैसा होगा, वो होगा वायलेंस वाला। ठीक है, क्योंकि हथियार लेके बना रखी है। ये क्या करेंगे, गुरिल्ला वार करेंगे माओस्ट। गुरिल्ला वार यानी कि एक बार जाएंगे आर्मी के ऊपर हाथ धावा बोल लेंगे, फिर बाकी चुप जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रगल दोनों के बीच होता है, माओ और साथ में किंग की जो फोर्स है, दोनों के बीच में यहाँ पे स्ट्रगल होता है। लेकिन कभी कभी ये जो है युद्ध है, जो वार है, ये ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल कैसे, ये मैंने टिक किया यहाँ पे, ट्रायंगल कैसे होता है, यानी कि तीन तरह के जो है ग्रुप बनेंगे इसमें। एक कौन सा, डेमोक्रेटिक फोर्स, दूसरी कौन सी है, मोनार्की फोर्स यानी कि राजा की सेना, दूसरे आम लोग जो डेमोक्रेसी के लिए डिमांड कर रहे हैं, और थर्ड कौन से, माओ। ये तीनों लिख रखे यहाँ पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए व्हाट वाज ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा बना था, ये था वो ट्रायंगल। तीन तरह के यहाँ पे ग्रुप बन गए थे जो आपस में यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, डेमोक्रेट और जो है यहाँ पर माओस्ट है, वो डिमांड कर रहे हैं किंग को हटाने की, और जो किंग है वो कह रहा है कि किंग अपनी पावर देना नहीं चाहता, शेयर नहीं करना चाहता। तो ये ट्रायंगल बन गया। अब जो किंग है वो बड़े परेशान है, वो क्या कर देगा, वो अपनी एक ऑर्डर पास करेगा और पार्लियामेंट को अबोलिस्ट कर देगा। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, इन 2002 द किंग अबोलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को डिसमिस कर देगा, पार्लियामेंट को अबोलिश कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे नेपाल में जो है अब डेमोक्रेसी ख़त्म करके खुद ने क्या किया, पार्लियामेंट को ही भंग कर दिया। लेकिन मास मूवमेंट चलेगा तकड़ा बड़ा वाला, तो उसके जो है विरोध में फिर किंग क्या करेगा, उससे प्रेशर में आके अपने ऑर्डर वापस ले लेगा, और 2006 में दोबारा से वहाँ पर जो है पार्लियामेंट को बहाल कर देगा, गवर्नमेंट को बहाल कर देगा। ठीक है, तो ये लिख लो इसको यहाँ पे, पॉइंट ये वाला है। इन अप्रैल 2006 देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, द स्ट्रगलिंग प्रोटेस्टर्स फेस अचीव देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री। क्या विक्ट्री मिली इनको, किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट हैड बीन डिसॉल्व्ड इन 2002 में जो उसने पार्लियामेंट को भंग किया था, उसको दोबारा से रिस्टोर करना पड़ा, बहाल करना पड़ा। ठीक है, मास मूवमेंट की विक्ट्री थी, क्योंकि मास मूवमेंट करके क्या किया, राजा को झुका दिया अपने पार्लियामेंट को रिस्टोर करने के लिए, दोबारा से बहाल करने के लिए। यानी 2002 में किंग ने पार्लियामेंट भंग की थी, 2006 में वापस से रिस्टोर करनी पड़ गई 4 साल के बाद। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि कौन मूवमेंट चला रहा है, वो है एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चला रहा है, लीड बाय 7 पार्टी अलायंस। ठीक है, यानी एक लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लीड बाय द 7 पार्टी अलायंस एंड द माओस्ट एंड द सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है, सारे मिलकर चला रहे हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए। तो 7 पार्टी अलायंस कहाँ पे था, क्वेश्चन आएगा, ये इधर नेपाल में। क्या किया उन्होंने, डिमांड की, किस तरह की, एक मूवमेंट चलाया, नॉन वायलेंस था, और माओस्ट का कैसा था, माओस्ट का था वायलेंस वाला मूवमेंट था, आर्मी बना के था, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, अब जो है नेपाल में धीरे धीरे क्या हुआ, पार्लियामेंट के लिए जो है काम हो गया शुरू, इनका ट्रांसफॉर्म होगा, और यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक अपना संविधान बनाएंगे, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करेंगे। ठीक है, दे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल, अपना ड्राफ्ट बनाया, संविधान बनाया,
और उसमें कुछ जो है नेपाल के लोग चाहते थे कि जो राजा है, किंग है, मोनार्की है, वो बनी रहे ताकि नेपाल अपने इतिहास से जुड़ा रहे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है मोनार्की की, ख़त्म किया जाए, राजा होना ही नहीं चाहिए, प्रेजिडेंट होना चाहिए और साथ में पीएम होना चाहिए, हम करेंगे सिस्टम ये। और जो मायो है वो भी कह रहे कि हमारे कुछ प्रोग्राम है वो भी इंक्लूड करो किसमें, जो संविधान बनाया जा रहा है उसमें। तो यहाँ पर अलग अलग सबके विचार हैं, थॉट्स हैं, क्योंकि जहाँ पर मल्टी पार्टी होती है तो यहाँ पर थोड़े से डिस्प्यूट होते ही है। तो यहाँ पर जो संविधान बनाया जा रहा था नया वाला, उसमें क्या हम प्रोग्राम बनाएं, क्या ऐड करें, क्या इंक्लूड करें, उस पर डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पर अपने देखना है, सम सेक्शन इन नेपाल थॉट दैट ए नॉमिनल मोनार्की वाज नेसेसरी फॉर नेपाल टू रिटेन इट्स लिंक विद द पास्ट, ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं कि नॉमिनल मोनार्की यानी कि एक नाम मात्र की जो है राजा यहाँ पर रहे, ताकि क्या हुआ नेपाल अपने पास्ट से, अपने इतिहास से जुड़ा रहे, ठीक है। दूसरा क्या है, जब माओस्ट ग्रुप है वो एग्री हो जाएगा टू सस्पेंड आर्म्ड स्ट्रगल, जो अपने लड़ाई है आर्मी बना के स्ट्रगल कर रहे हैं उसको ख़त्म कर देगा, हथियार डाल देगा ये, ठीक है। लेकिन ये डिमांड करेगा बहुत बड़ी, द माओस्ट ग्रुप एग्री टू सस्पेंड आर्म स्ट्रगल एंड दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो समाज का स्ट्रक्चर है और जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म किया जाए, दोबारा से निर्माण किया जाए, यानी कि दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए उस चीज़ की, ठीक है। स्ट्रक्चर दोबारा से बनाया जाए समाज का और इकोनॉमी का, ये इक्वलिटी की बात कर रहा है बेसिकली, ठीक है। चाइना में हुआ था ऐसा ही, जैसे रशिया में एक बार हुआ था हमारा पार्टी सिस्टम वाला। तो यहाँ पर माओ ने डिमांड रखी है, मायूस ने, कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो हमारा भी प्रोग्राम ऐड कर लो, इंक्लूड कर लो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म वाले, ठीक है। लेकिन सभी जो पार्टियाँ हैं अलग अलग, सेवन पार्टी अलायंस, डिड नॉट एग्री विद दिस प्रोग्राम। सेवन पार्टी कह रही ना भाई, हम इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते, सारी बातें तुम्हारी डिमांड नहीं मानेंगे, ठीक है। कुछ हमारी मानने पड़ेगी, कुछ तुम्हारी, तो क्या करेंगे यहाँ पर आपस में जो यहाँ पर ये डिस्कस कर देने बैठ जाएंगे कैसे हमने अपना संविधान बनाना है, ठीक है। और बाद में ये सभी मिलजुल के अपना संविधान बना लेंगे और यहाँ पे एक क्या बनाएंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट बना लेंगे, ठीक है। तो नेपाल के बारे में देख लो एक बार, ये रहा। इन 2008 नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्की। अब यहाँ पर देख लो, वहाँ डिस्कस किया जाता क्या करें, यह इन्होंने कर लिया डिसाइड। क्या डिसाइड किया, 2008 में नेपाल ने राजा के पद को ख़त्म कर दिया, अबोलिश कर दिया, और क्या बन गए, डेमोक्रेटिक बन गए, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, और रिपब्लिक बन गए, यानी कि चुना हुआ यहाँ पर क्या आ गया, प्रेसिडेंट आ गया। अब वहाँ पे प्रेसिडेंट भी है और पीएम भी है, पार्लियामेंट भी है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी है और अपना संविधान भी है। संविधान कब बनाया है देख लो एक बार, इन 2015 इट अडोप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान अडोप्ट कर लिया उन्होंने 2015 में, ठीक है। तो ये है नेपाल की बात, छोटी सी कंट्री है, बहुत सारे पॉइंट इसमें आ गया आपके, ठीक, कि पहले किंग था, फिर फाइट हुई, प्रोग्राम बने, फिर संविधान बनाया गया और राजा को झुकना पड़ा और राजा का पद भी ख़त्म करके डेमोक्रेसी स्टेबल कर ली। यानी साउथ एशिया में धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी बनती हुई जा रही है, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही थोड़ा डिस्प्यूट रहता है आर्मी के साथ, ठीक है। अगली कंट्री है श्रीलंका, श्रीलंका हमारे पड़ोस में है, बड़ा आइसलैंड है, यहाँ पे कोई किंग नहीं था, ना ही यहाँ पे कोई मिलिट्री रूल रहा कभी, लेकिन यहाँ पर एक डिस्प्यूट रहा है पहले, वो था एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या होता है, ये अपने टेंथ में पढ़ रखा है पावर शेयरिंग के अंदर, पहले चैप्टर में था। एथनिक होता है प्रजाति और कॉन्फ्लिक्ट होता है लड़ाई झगड़ा वार। तो वहाँ पर दो तरह की प्रजाति हैं, दो तरह के लोग हैं, दो तरह की कम्युनिटी हैं, ठीक है। उनके बीच में झगड़ा था, दो कम्युनिटी कौन सी थी, एक कम्युनिटी है श्रीलंका में रहने वाले सिन्हालाज और दूसरी है जो इंडिया से तमिल लोग श्रीलंका में गए थे काम करने, वहीं बस गए थे, तो वो लोग हैं। तो वहाँ पर दो कम्युनिटी होगी, एक सिन्हालाज और दूसरी वहाँ पर तमिल लोग गए हुए, ठीक है।
तो हमने केवल यही पे देखना सीधा ही, श्रीलंका इंडिपेंडेंस कब हुआ, 1948 में, हमारे एक साल बाद इंडिपेंडेंट हुआ था ये ब्रिटेन से। अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, ओल्ड नाम नेम था उसका सिलोन, सिलोन नाम हुआ करता, ठीक है। उससे पहले और भी था लंका कहा करते, सोने की लंका। अब वहाँ पे क्या है, श्रीलंका वाज डोमिनेंट बाय फोर्सेस दैट रिप्रेजेंटेड इन इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी सिन्हाला, सिन्हाला कम्युनिटी वहाँ पर मेजोरिटी में है, पावर में है, हर जगह फोर्स में, ठीक है, आर्मी में, गवर्नमेंट में, पार्टी में, हर जगह मेजोरिटी सिन्हालाज की थी। अब यहाँ पे क्या है, जो सिन्हाला रही एक बात कहते हैं कि श्रीलंका केवल सिन्हाला के लिए है, तमिल के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, तमिल्स को इग्नोर करेंगे, तंग करेंगे। दे वर होस्टाइल टू ए लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, ठीक है। तो क्या हुआ, अब अगर क्वेश्चन आए तमिल कहाँ से आए, वहाँ इंडिया से आए थे, मेजोरिटी किसकी है, सिन्हाला की, दोनों में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या हुआ देख लो एक बार, वो यहाँ पर ये है, ये रहा, द सिन्हाला नेशनलिस्ट थॉट दैट श्रीलंका शुड नॉट गिव कंसेशन टू द तमिल बिकॉज श्रीलंका बिलोंग टू द सिन्हाला पीपल्स ओनली, ठीक है। तो ये है मेन झगड़े की जड़, ये थी, यहाँ है ये पॉइंट। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द मेन फैक्टर, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो आपने ये लिखना है सिन्हाला नेशनलिस्ट थॉट दैट श्रीलंका शुड नॉट गिव कंसेशन टू तमिल बिकॉज श्रीलंका बिलोंग्स टू सिन्हाला पीपल्स ओनली, दे नेगलेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न, ठीक है। तो तमिल के लोगों से जो जो अपने इंडिया के तमिलनाडु से गए हुए थे वहाँ श्रीलंका में, वो लोग वहीं बस गए थे, वहीं के नागरिक थे, उनको इग्नोर किया गया, नेगलेक्ट किया गया, उनकी जो परेशानी थी उनको देखा नहीं गया, तो वो क्या करेंगे, परेशान होकर आर्मी बना लेंगे, स्ट्रगल कर लेंगे अपनी, ठीक है, और अलग देश की डिमांड करेंगे श्रीलंका में तमिल इलम की। तो यहाँ पर देख लो, इन 1983 एंड ऑनवर्ड, इसके बाद क्या हुआ, तमिल एक क्या करेगा, मिलिटेंट ग्रुप बनाएगा, उसका नाम होगा क्या, ये रहा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE, लिट्टे भी कहते हैं शॉर्ट में इसको। ये छोटा क्वेश्चन आएगा आपका, लिट्टे की फुल फॉर्म बताओ, LTTE की, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, कब बना, 1983 के आसपास बना था। ये क्या डिमांड कर रहा है, ये तमिल लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनके लिए अलग से सेपरेट कंट्री बनाई जाए, कहाँ, श्रीलंका में ही। और श्रीलंका में किस एरिया में, यहाँ पे इसका आंसर है देखो, लिट्टे हैज बीन फाइटिंग एन आर्म स्ट्रगल विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका एंड डिमांडिंग, क्या डिमांड कर रहा है, श्रीलंका के सेना से इसकी स्ट्रगल हुई और डिमांड क्या है, डिमांडिंग तमिल इलम और ए सेपरेट कंट्री फॉर तमिल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के तमिल्स के लिए अलग से एक सेपरेट कंट्री बनाई जाए, इसका नाम होगा तमिल इलम। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज तमिल इलम, तमिल इलम क्या है, तमिल इलम डिमांड थी सेपरेट कंट्री के लिए तमिल्स की, ठीक है। और जो लिट्टे है वो कंट्रोल कहाँ पे किए हुए थे श्रीलंका में, तो ये भी क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, लिट्टे कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर कंट्रोल था लिट्टे का, और यहीं इनकी सेना थी, यहीं पे अपना रूल चलाया करते, यहीं सारे झगड़े हुए, बहुत बड़ा इश्यू था ये, बड़ी मुश्किल शांत हुआ है, आगे देखना इंडिया भी फंस जाएगा यहाँ पे एक बार, इंडिया से हेल्प मांगेंगे दोनों पार्टी लेकर ना, इंडिया फंस जाएगा। अब यहाँ पे एक बार कार्टून देख लो, ये प्री बोर्ड में पिछली बार कई बार आ चुका है, ये जो है इमेज, पांच नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, ऐसा आपकी एनसीईआरटी की बुक से आएगा, ये इसमें से आएगा कि जो ये कार्टून है किस कंट्री को बिलोंग करता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है लगभग। तो कंट्री अपने पता लग गई ना, ये कंट्री थी श्रीलंका, उसमें है दो शेर, ध्यान देना। तो पूछेगा जो ये लॉयन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है किसको, सिन्हालाज को, वहाँ के लोग को। और टाइगर किसको कर रहा है, ये लिट्टे को कर रहा है, क्योंकि लिट्टे का नाम क्या है, टाइगर्स नाम था उसका, इसे पहचान कर लेना। और ये कौन है बीच में, इमेज किसकी है, ये है राजपक्षे, नाम लिख रखा। और कौन था ये था श्रीलंका का प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, राष्ट्रपति था वहाँ का,
क्या कर रही है, ये दोनों में बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कम्युनिटी अपने अपने राइट्स के लिए, पावर के लिए डिमांड कर रही हैं, तो दोनों में बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, काउंटर पर चलना जैसा ही, देखो रस्सी पर चलने जैसा काम था ये, तो क्या किया इसने, यहाँ पे बैलेंस बनाने का ट्राई किया लेकिन बना नहीं। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो ये कंट्री है श्रीलंका, ये और यहाँ के रहने वाले जो तमिल हैं, दोनों ही इंडिया की ओर देख रहे हैं कि इंडिया हमारी हेल्प करे। ठीक है, अब देखो इंडिया ने कहा भी था ऐसा, इंडिया ने बीच में क्या क्या इंटरफेयर किया था यहाँ पे देखो। तमिल पीपल वांट्स टू हेल्प इंडिया फॉर देयर कंसर्न, तमिल से लोग चाहते हैं कि इंडिया उनकी हेल्प करे, उनका क्वेश्चन उठाए, श्रीलंका गवर्नमेंट से हमारी बात करे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो एक बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसीजन लिया था, ये देखना आपने इन्वॉल्व हुई या नहीं हुई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राइड टू नेगोशिएट विद श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन द तमिल क्वेश्चन। ध्यान देना यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी श्रीलंका की गवर्नमेंट से तमिल के जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन हम के, उनके ऊपर बात की है, कई बार नेगोशिएट किया है। ठीक है, लेकिन कुछ मुद्दा सोल्व नहीं हुआ। लेकिन आगे क्या होगा, बट इन 1987 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गोट डायरेक्टली इन्वॉल्व, यहाँ पे ध्यान देना, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई किसमें, श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी 87 के अंदर। क्या किया ऐसा इंडिया ने, क्या किया, इंडिया साइन एन अकॉर्ड विद श्रीलंका, श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, उसको बोलते हैं इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड। कब हुआ, 87 में। इसमें क्या पॉइंट था, क्या किया, इंडिया सेंड ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन द श्रीलंका गवर्नमेंट एंड द तमिल्स, तमिल और श्रीलंका के सिन्हा के बीच में स्टेबिलिटी लाने के लिए, रिलेशन को मजबूत करने के लिए, शांति बनाने के लिए अपने सेना भेज देगा। दूसरे देश में अपने सेना भेजना बहुत बड़ी बात होता है और ये अगले कंट्री में इंटरफेयर करना जैसी बात होती है, लेकिन यहाँ पर हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने हमसे हेल्प मांगी थी, शांति सेना मंगवाई थी, तो हमने शांति सेना भेजी थी। ठीक है, इस सेना का नाम होगा पीस कीपिंग फोर्स, आगे नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखना, हमारी सेना वहाँ पर गई 87 में श्रीलंका में, वहाँ पे फाइट करने पड़े लिट्टे से, लिट्टे लोग नाराज़ हो गए, तमिल लोग नाराज़ हो गए कि इंडिया की सेना हमारे ऊपर ही क्या कर रही है, अटैक कर रही है, हमसे फाइट कर रही है, और वहाँ के जो सिन्हाला थे वो भी नाराज़ हो गए। क्यों, क्योंकि इंडियन आर्मी वहाँ पे गई और इंटरफेयर, उनको लगा कि इंटरफेयर कर रहा है इंडिया बीच में। ठीक है, तो दोनों ही नाराज़ हो गए। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, इंडियन आर्मी गोट इन टू ए फाइट विद इन द लिट्टे, लिट्टे के साथ लड़ना पड़ा। आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रोप वॉज ऑल्सो नॉट लाइक्ड मच बाय द श्रीलंकन, श्रीलंका के लोग भी खुश नहीं थे इंडियन आर्मी वहाँ पे गई हुई है, क्योंकि वो मान रहे थे कि इंडिया ने इंटरफेयर किया है इंटरनल अफेयर ऑफ श्रीलंका में। ठीक है, ये पॉइंट आपने देखना है कि दोनों ही लोग नाराज हो गए, दोनों पार्टी, दोनों कम्युनिटी नाराज हो गई इंडिया से। अब जो है इंडिया क्या करे बेचारा, इन 1989 इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, ये पॉइंट है नोट करने का। 87 में फोर्स गई थी, दो साल रही, 89 में वापस आ गई, इस फोर्स का नाम क्या था, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही, छोटे क्वेश्चन आएंगे या बड़े आए, पॉइंट वाइज नोट करते रहो, टिक करते रहो, इन्हीं को रट्टा लगा दो बार 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 बार, सारे मैप सारे क्वेश्चन सब इसी में से आएंगे। अगर मैप का क्वेश्चन आ गया लिट्टे का हेडक्वार्टर बताओ, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में था वो, आपने ऊपर नोट किया होगा। ठीक है, तो पीस गिविंग फोर्स नाम था इसका, और 89 में वापस आ गई, जो इसका ऑब्जेक्ट था पीस करने के लिए गई थी पीस गिविंग फोर्स, लेकिन पीस हुआ नहीं, वापस आ गई विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब श्रीलंका में हम तो गए नहीं, हम तो वापस आ गए, तो वहाँ कौन गया शांति करवाने के लिए, पीस कीपिंग के लिए, वहाँ गई दो कंट्री और, उन्होंने भी ट्राई किया, उन कंट्री का नाम देख लो क्या है, द स्कैंडिनेवियन कंट्री सच एज नॉर्वे एंड आइसलैंड ट्राइड टू बैरिंग द वार ग्रुप बैक टू द नेगोशिएशन, यानी कि नेगोशिएशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, शांति करने के लिए वहाँ पर
दो पार्टियां, दो कंट्रियां और वहां पे गई थी, उनने भी ट्राई किया था। कौन सी कंट्री थी? नॉर्वे और आइसलैंड, ये दो कंट्रियां हैं, इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप है और पांच छह कंट्री हैं यहाँ पर। देखो, नॉर्वे है, स्वीडन है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये कंट्रीज हैं, इनको कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। अगर क्वेश्चन आ गया मैप का, वेयर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लोकेटेड, तो आप क्या कहोगे? यूरोप में है ये, नॉर्थ में ही, बिल्कुल यूरोपियन में है और यूरोप के बिल्कुल नॉर्थ में है, आर्कटिक सी के नीचे। वहाँ पे देखना, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, वहाँ पे है सारे, डेनमार्क वगैरह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया, लोकेशन का मैप का भी आ गया, साथ में कौन गए वो भी आ गया। लेकिन क्या होता है आगे, बातचीत से कुछ भी हासिल नहीं होता। यहाँ पे श्रीलंकन जो आर्मी है वो अटैक कर देगी डायरेक्टली, किस पर? लिट्टे पे कर देगी, लिट्टे वाले कंट्रोल एरिया पे कर देगी, और लिट्टे को ख़त्म कर देगी। कब? ये देखो, दे रखा, लिट्टे वाज वानिश्ड इन 2009, 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया जाएगा यहाँ पे। और लिट्टे का हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में, उनका जो प्रमुख था, हेड था लिट्टे का, वो था प्रभाकरण। ठीक है, चलिए, तो ये श्रीलंका के बारे में बता रखा है कि श्रीलंका ने यहाँ पर लिट्टे को ख़त्म करके शांति बनाने का काम किया। अब यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन कि वहाँ पर सिविल वार हुआ, डिस्प्यूट हुआ श्रीलंका में, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने बहुत सारे अच्छे काम वहाँ अपने कंट्री में बना के रखे, किए, डेवलपमेंट किया। ठीक है, जीडीपी बढ़ाई और पॉपुलेशन कंट्रोल किया, ये पॉइंट और नोट कर लो, यहाँ पे दे रखा है। इन स्पाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या किया? एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ की उसने, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अपना लेवल बढ़ाया। ठीक है, दो पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? श्रीलंका वॉज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तीन पॉइंट बन गए। अगर क्वेश्चन आए बड़ा पांच नंबर का कि क्या क्या किया उसने, या सिर्फ लड़ता रहा? नहीं, उसने बहुत सारे काम भी यहाँ पे मेंटेन किए हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन, साउथ एशिया की पहली कंट्री थी, क्या करने के लिए? टू लिबराइज द इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को लिबराइज करने के लिए, लिबरल बनाने के लिए, उदार करने के लिए, ओपन करने के लिए इसने काम किया था। हमसे पहले इसने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था, हमने 1991 में किया था, इन्होंने पहले ही कर दिया था। ठीक है, तो ये अपनी इकोनॉमी ओपन कर देंगे, इससे क्या होगा? बाहर से जीडीपी और एफडीआई आएगा, एफडीआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा वहाँ से, और वो यहाँ पर जो है इसकी जीडीपी बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी जीडीपी क्या करेगी? हाईएस्ट बन जाएगी। ठीक है, श्रीलंका की कई साल तक जीडीपी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी इसकी। ठीक, तो ये इसने पांच छह पॉइंट दे रखे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ किया, ह्यूमन डेवलपमेंट को लेवल बढ़ाया, पॉपुलेशन कंट्रोल की और इकोनॉमी को ओपन किया और जीडीपी ग्रोथ की। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सबसे बड़ा है, वो क्या हैज़ मेंटेन ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। यही तो पढ़ रहे हैं हम, श्रीलंका ने सिविल वार के बावजूद भी, अपने एरिया में लड़ाई के बावजूद भी बहुत सारे काम किए, उनमें से एक है ही हैज़ मेंटेन ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पर डेमोक्रेसी बनी रही, ठीक है, मिलिट्री रूल नहीं लगा, डेमोक्रेसी वीक नहीं हुई। तो ये मेन पॉइंट था यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन, क्या बड़ा पैरा है ये, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट दे रखा है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कवर हो गया तो आपके इंडिया फॉरेन रिलेशन एक्सटर्नल रिलेशन जो चैप्टर आएगा ना नेक्स्ट बुक में, वो भी कवर हो जाएगा, इसको ध्यान से कर लो। पाकिस्तान और इंडिया के कौन कौन से डिस्प्यूट है, डिफरेंसेस है, वो सबको पता है लगभग। और पहला है कश्मीर वाला, ठीक है, कश्मीर का है, इंडस वाटर का है, सर क्रीक का है, कारगिल का है, सियाचिन का है, और यहाँ पर और क्या है इसमें जो ब्लेम लगाते हैं आपस में, दोनों को देखते हैं अभी। ठीक है, क्या क्या ब्लेम लगाते हैं? फर्स्ट इशू ये है कश्मीर वाला, कश्मीर इंडिया का पार्ट था शुरू से ही, और जब पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से तो पाकिस्तान ने अटैक करवा दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर और कुछ हिस्सा हड़प लिया हमारा, उसको कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, क्योंकि जब वार हुआ था 1947 का, उसमें कश्मीर
फिर जब उसने कब्ज़ा कर लिया तो वहीं हमने इस चीज़ को यूएनओ में उठा दिया, यूएनओ ने शांति करवा दी, युद्ध बंद करवा दिया, जो सेना जहाँ खड़ी वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया, यानी कश्मीर को दो पार्ट में हो गया, एक पार्ट उनके पास है और बीच में लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब ध्यान रखना है, फिर क्वेश्चन आए व्हाट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, ये कश्मीर के बीच में है, एक पार्ट पीओके है पाकिस्तान के, पार्ट कश्मीर एक हिंदुस्तान के पास है, ठीक है। ये था 47 में हुआ था ये, एक तो ये इशू है कश्मीर वाला, सेकंड इशू है सियाचिन ग्लेशियर का, ये रहा मैंने कर दिया इसको हाईलाइट कर दिया, सियाचिन ग्लेशियर एंड ओवर एक्वेशन ऑफ आर्म, जो सियाचिन ग्लेशियर है बहुत बड़ा है यहाँ पर कश्मीर में, ये भी ठीक है, यहाँ पर आर्मी का सबसे ऊंचा जो है एक यहाँ पे कैंप भी है इंडिया का, यहाँ पे कारगिल भी है, यानी कि ये एक ऐसा एरिया है कश्मीर के अंदर अगर जिसके अंडर में आ कंट्रोल में आ गया, ऊंचाई पे है इसलिए जो है, लेकिन रख रखाव बहुत महंगा है यहाँ का, सेना यहाँ भेजनी पड़ती है, उनका खाना वाना बहुत सारा जो है आर्म भेजने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल है यहाँ पे अपने सैनिकों का जीवन बड़ा कठिनाई भरा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा वार हो चुका है 99 में हुआ था, कारगिल वार हुआ था सियाचिन ग्लेशियर और कारगिल के लिए हुआ था, ठीक है। एक ये है, थर्ड ये क्या है कि हम आपस में रेस लगा रखी है हमने किस चीज़ की, आर्म रेस कहते हैं उसको, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये आएगा, इंडिया के बीच में और पाकिस्तान में क्या डिस्प्यूट है, ये है वो कॉन्फ्लिक्ट क्या, द आर्म रेस बिटवीन टू कंट्रीज एज यू मे नो करेक्टर विद द बोथ स्टेट एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक टाइम ऐसा आया जब उनके बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोनों के बीच में आर्म रेस लग गई, अगर हम हथियार बनाएंगे वो भी बनवाएंगे, हम अगर मिसाइल टेस्ट करेंगे वो भी करेंगे, अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे वो भी बनाएंगे, हम कहीं से हथियार लेंगे वो भी लेंगे। तो ये हुआ, कब हुआ ये, 1990 के बीच में होता, 98 तक चला ये ऐसा ही, लास्ट में वार भी हुआ कारगिल वाला। तो हमने क्या किया, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था 98 में, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, तो हमने एक टेस्ट किया, कब ये किया था हमने, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन इन पोखरण, पोखरण कहाँ पे है ये क्वेश्चन आता है कि हमने अपना न्यूक्लियर बम कहाँ पर टेस्ट करते हैं, हम करते हैं राजस्थान के पोखरण में, पोखरण एक जगह है राजस्थान में बाड़मेर में, वहाँ पे क्या है एक खुला एरिया पड़ा है, आसपास गांव नहीं है, कोई आबादी नहीं, इसलिए वहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं कोई नुकसान ना हो, ठीक है। ऐसा ही पाकिस्तान में भी है एक एरिया चगाई हिल, वहाँ पे करते हैं वो लोग, तो हमने किया तो पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, हमने एक्शन किया तो उसने भी रिएक्शन किया, पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड विद इन फ्यू डे बाय कैरिंग आउट न्यूक्लियर टेस्ट इन चगाई हिल, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ये भी मैंने कर दिया, चगाई हिल कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, वहाँ पे इसने न्यूक्लियर बम टेस्ट किया, हमने पोखरण में किया था, दोनों को पॉइंट नोट कर लो और अपने लोकेशन में देख लो इस चीज़ को, मैप में टिक कर लो, क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, ओके जी। नेक्स्ट चलो वाक्य ये है, दोनों कंट्री क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं और शंका से देख रहे हैं, सस्पिशियस है, क्या लगा रहा है, पहले इंडियन गवर्नमेंट देख लेते हैं, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम, ये सारे पॉइंट बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ध्यान से देख लो, लिख लो इनको, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम द पाकिस्तान गवर्नमेंट किसके लिए, फॉर यूजिंग ए स्ट्रेटजी ऑफ लो की वायलेंस बाय हेल्पिंग द कश्मीरी मिलिटेंट विद आर्म ट्रेनिंग मनी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या है, कश्मीर में क्योंकि बाउंड्री लगती है पाकिस्तान की कश्मीर से, पंजाब से, गुजरात से, तो पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI ये इंडिया में एंटी इंडियन कैंपेन चलवाते हैं, जो मिलिटेंट हैं यहाँ पर कश्मीर में पंजाब में उनको हथियार देते हैं, उनको क्या करते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, उनको मनी प्रोवाइड कराते हैं, फेक करेंसी भेजते हैं यहाँ पे, और जब अपनी आर्मी उन पर पकड़ने जाएगी तो वो भाग के छुप जाएंगे कहाँ पे, पाकिस्तान में छुप जाएंगे, और उनकी प्रोटेक्शन भी करती है, ठीक है। तो टेररिस्ट की सपोर्ट करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ये इंडियन गवर्नमेंट ब्लेम करती है, ठीक है, ओके। तो ऐसा तो किया कश्मीर के अंदर, ऐसा ही किया उन्होंने यहाँ पे पंजाब के अंदर किया था, पाकिस्तान हैड एडिट द प्रो खालिस्तान मिलिटेंट, खालिस्तानी मिलिटेंट क्या था, पंजाब में जो सिख है, सिखों ने अलग अपने कंट्री की डिमांड की थी सिखों के लिए, उसका नाम रखना था खालिस्तान, तो उसको बोलते हैं खालिस्तानी मिलिटेंट, उसकी भी सपोर्ट की थी पाकिस्तान ने, क्योंकि पंजाब और पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है, और जब हमारी आर्मी जाए तभी वो
खालिस्तानी मिलिटेंट पाकिस्तान में जाके छुप जाते थे, वहीं ट्रेनिंग लिया करते, वहीं से आर्म लिया करते। ठीक है, ये कब हुआ? 1985 से 1995 तक चला था ये। ठीक है, एक चैप्टर आएगा उसमें ये दे रखा है सेपरेशन मोमेंट वाले में। अब देख लो, ये है वो पाकिस्तान स्पाई एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI, इसकी फुल फॉर्म लिख लो यहाँ पे। ISI क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये क्या है? पाकिस्तान की खुफिया जासूसी एजेंसी है, और हमारी भी है, एक है हमारी है रा, RAW, दोनों को इकट्ठे लिख लो, RAW, रिसर्च एंड एनालिटिक विंग, गूगल पे देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये एजेंसी है पाकिस्तान की, ये क्या करती है? ये इन्वॉल्व रहती है एंटी इंडिया कैंपेन में। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वहाँ पर एंटी इंडिया कैंपेन चलते हैं, टेररिस्ट वहाँ पे जाते हैं, छुपते हैं, ऑपरेट करते हैं वहाँ पे बहुत सारे, और पाकिस्तान सपोर्ट करता है कहाँ से? बांग्लादेश के थ्रू करता है, क्योंकि बांग्लादेश उसका पार्ट हुआ करता, और नेपाल के रास्ते भी आता है, क्योंकि नेपाल में माओवादी गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो यहाँ से जो है सपोर्ट किया करता पाकिस्तान। हमने ब्लेम किया, हमने ब्लेम कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान गवर्नमेंट हम पे ब्लेम करेगी इंडिया पे, कि इंडिया भी हमारे एरिया में इंटरफेयर करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है, ये था वो, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टर्न, बदले में क्या करेगी? ब्लेम करेगी इंडियन गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टर्न ब्लेम इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स सिक्योरिटी एजेंसी। देखो नाम आ गया, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी रॉ है, एक दो और है, बहुत सारी हैं, तो ये ब्लेम करती है फॉर फॉर्मेंटिंग ट्रबल इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान। ये लोकेशन देख लो, मैप वाला क्वेश्चन आ गया। पाकिस्तान के 5 राज्य हैं पाकिस्तान में, मुल्तान, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब। ठीक है, जो ये है प्रोविंस कहते हैं राज्य को, स्टेट को। ठीक है, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर है ये, सिंध और बलूचिस्तान है। यहाँ पर हिंदू रहते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ सिंधु तो भाग के बेचारे यहाँ पे आगे परेशान हो गए, इंडिया में ही घुस गए, लेकिन बहुत सारे रह रहे हैं, उनको वहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है मुस्लिम धर्म में। ठीक है, मारा पिटा जाता है। तो यहाँ पर ये लोग मूवमेंट चला रखे हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, कि हमें हमारी राइट दिए जाए। तो ये ब्लेम करता है पाकिस्तान कि इंडिया इनको क्या कर रहा है, एंटी पाकिस्तानी मूवमेंट में इन्वॉल्व कर रहा है और हेल्प कर रहा है इनकी। ठीक है, हमारे ऊपर ही ब्लेम लगा दिया पाकिस्तान ने। और डिस्प्यूट क्या है? एक और डिस्प्यूट है, वो है वाटर शेयरिंग के ऊपर है। हमारे एक रिवर है इंडस, तिब्बत से निकलती है, कश्मीर से होती हुई, मैप में देख लो, पाकिस्तान जाती है, तो सारा पानी पाकिस्तान यूज करता है उसका, लेकिन जो है इसको कहा जाता है पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहते हैं इसको। ओके, अब क्या है, पाकिस्तान इसका हमारा डिस्प्यूट रहता है इंडस रिवर को लेके, लेकिन हमने इसको सोल्व कर लिया है। इन 1960 विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इसको देख लो आप, इंडिया और पाकिस्तान ने 1960 में एक ट्रीटी साइन की है, कौन सी? इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार आ लिया। और हेल्प किसने की हमारे बीच में? वर्ल्ड बैंक ने की थी, वर्ल्ड बैंक ने, जो UNO की एजेंसी है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने हमारी हेल्प की थी, दोनों कंट्रियों को साइन करवाया, तो यहाँ पे थोड़ा शांति हुआ। इसमें यह हुआ कि हमने हमारे हमें को मिलेगा कितना, 20% वाटर मिलेगा इसका रिवर का, और 80% वाटर कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, 80-20 का रेशो बनाया गया है। आप देखना है इस टाइम पे हमारे PM कौन थे और उनके PM कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लो क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, इसके बाद जो है रिवर्स का, एक और पॉइंट है, वो है गुजरात में। ठीक है, ये रहा सर क्रीक जगह है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे गुजरात में, गुजरात में जगह है रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ एरिया है, दलदल है, रेतीला दलदल है यहाँ पे, उसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, जगह का नाम है, मैप में देख लो, वहाँ पे लाइन है बाउंड्री की, उसको बोलते हैं सर क्रीक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एरिया है, उसको बोलते हैं सर क्रीक, रन ऑफ कच्छ। इस पर कंट्रोल करने के लिए भी दोनों कंट्रीज में डिस्प्यूट है। ठीक है, यानी कश्मीर पे, इंडस वाटर पे, सर क्रीक पे, इन पे लेके डिस्प्यूट है बाउंड्री का हमारे। ठीक,
अब यहाँ पे और क्या बात है, यहाँ समुद्री एरिया लगता है और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं भाई सी, उन पर कंट्रोल करने के लिए झगड़ा होता है। इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल ऑफ सी रिसोर्सेज इन द एरिया ऑफ सरक्रिक, सरक्रिक के एरिया में कंट्रोल करने के लिए, सी रिसोर्सेज पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे डिस्प्यूट होता है, ये भी पॉइंट नोट कर लो। ओके, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में और सोल्व कर लेंगे इसको भी। तो ये था हमारा पाकिस्तान का डिस्प्यूट, पाँच छः पॉइंट हैं, ये केवल वो पॉइंट है जो हमारे डिस्प्यूट डिफरेंसेज है। हमारे बहुत से अच्छे ट्रीटमेंट भी हुए हैं, ट्रीटी भी हुई हैं शांति के लिए, उसमें भी लिखना आपने रिलेशन वाले में। यह इंडिया एंड इट्स अदर नेबर, अब इंडिया साउथ एशिया के सेंटर में है, सभी कंट्रियाँ छोटी हैं हमसे, हमारा साइज बड़ा है, इकोनॉमी बड़ी है, पॉपुलेशन बड़ी है, डेमोक्रेसी है परमानेंट, तो आस पास जो कंट्री है, नेबर्स कंट्री हैं, वो छोटी है, वो हमें हमारे कैसे रिलेशन है उनसे वो देखना है हमने, ठीक है। वो ये है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिफरेंसेस, बांग्लादेश और इंडिया के डिस्प्यूट और डिफरेंस क्या है वो देखना हमने, क्या है, वाटर का है पहले तो, शेयरिंग ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया बांग्लादेश के अगर आप रिलेशन लिखोगे तो डिस्प्यूट लिखने पहले ये डिफरेंस कौन से हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर पर डिस्प्यूट है। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि हमारे रिवर कॉमन है, इकट्ठी हैं, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में बहती हुई बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश में जाके मिल जाती है आपस में, गंगा ब्रह्मपुत्र मिल जाएंगी, एक रिवर बन जाएंगी। तो क्या हुआ कि हमारे इंडिया में बहती है फिर बांग्लादेश में बहती है, इसलिए कॉमन रिवर हो गई। लेकिन कौन पानी कितना शेयर करेगा, कौन डैम बनाएगा, कौन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगा बड़े बड़े, उनके ऊपर डिस्प्यूट रहता है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस रिवर के ऊपर है, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 71 में, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, उस टाइम बहुत सारे हमारे इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में आए थे, बहुत सारे लोग इंडिया में घुस गए थे शरणार्थी बन के, आज भी परेशान कर रहे हैं जो लोग हमें, तो इस तरह से जो है ये भी हमारी एक समस्या थी, ठीक है। इंडिया अनहैप्पी था इसके लिए, क्योंकि बांग्लादेश ने रिफ्यूज़ कर दिया, डिनाई कर दिया कि हमारे तो कोई नहीं गया, तो डेनियल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, ठीक है। तो क्या कहा, बांग्लादेश ने मना कर दिया कि हमारे तरफ से कोई नहीं गया इलीगल बन के, तो अब इसके लिए हमने क्या बनाया है कि NRC बनाया है, नेशनल रजिस्टर बनाया है सिटीजनशिप के लिए, और दूसरा बनाया है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया है, ताकि पहचान कर सकें कौन कौन बांग्लादेश से आए थे, पाकिस्तान से आए थे। जो माइनॉरिटी पीपल हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे, बाकी को नहीं रखेंगे, क्योंकि ये केवल माइनॉरिटी के लिए बनाया गया कानून है। जो धर्म के नाम पर तंग होकर बेचारे यहाँ पर बाकी आए थे उनको रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, बांग्लादेश सपोर्ट करता है, किसे सपोर्ट करता है, बांग्लादेश सपोर्ट्स फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप, ये इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप है, यानी कि टेररिस्ट ग्रुप है इस्लाम के नाम पे, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है बांग्लादेश भी पाकिस्तान भी, तो इनमें जो है ये इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स हैं, ये एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं और इनकी हेल्प कर रहा है बांग्लादेश, ये भी हमने ब्लेम लगाया था। दूसरा क्या है, बांग्लादेश में जो एरिया है बांग्लादेश का, क्योंकि पहले इंडिया का पार्ट था, और हम क्या क्या करते, कलकत्ता से बांग्लादेश से होते हुए, उसकी टेरिटरी से होते हुए आगे हमारा जो एरिया है मणिपुर मिजोरम वगैरह वहाँ जाया करते, या फिर हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाया करते, म्यांमार सिंगापुर वगैरह की तरफ जाया करते, तो एक रूट हुआ करता हमारा वहाँ पे, वो रूट अभी भी है, लेकिन बाउंड्री आगे बीच में बांग्लादेश अलग कंट्री बन गई। तो बांग्लादेश रिफ्यूज़ करते हैं हम वहाँ से जाने के लिए, बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रोप है, भारतीय सेना को टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी, भारतीय सेना को अपनी टेरिटरी से गुजरने के लिए मना करता है। सेना कहाँ जाती है हमारी, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, जैसे कि मणिपुर त्रिपुरा मेघालय या फिर उधर जो है नागालैंड वगैरह का एरिया है, वहाँ जाने से जो है क्या करती है, डिनाई करते कि हमारे टेरिटरी से मत जाओ, उनको डर होता है कि कहीं जो इंडिया है बड़ी पावर है हमारे इंटरफेयर ना कर दे हमारे एरिया में आके, इसीलिए। तो हमें क्या करना पड़ता है जाने के लिए, हमें त्रिपुरा में जाने के लिए, मिजोरम जाने के लिए, पहले बंगाल से ऊपर जाना पड़ेगा, असम मैप में देख लो, फिर असम को पार करके मेघालय वगैरह आके नागालैंड मणिपुर ऐसे आना पड़ेगा, बहुत बड़ा रास्ता बन जाता है, ठीक है। तो इन्होंने मना कर दिया हमारे ट्रेड से मत आओ। और क्या पॉइंट है, अब यहाँ पे बांग्लादेश में होती है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मिलती है बांग्लादेश में, और इसने मना कर दिया इंडिया को देने से, ठीक है।
इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट, इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अपने नेचुरल गैस, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, अलाउ म्यांमार टू डू सो थ्रू बांग्लादेश टेरिटरी, बांग्लादेश की टेरिटरी से होकर जो म्यांमार की गैस है या जो भी है उसको भी अलाउ नहीं, अलाउ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि म्यांमार को तो अलाउ कर दिया, हमें अलाउ नहीं किया अपनी टेरिटरी में, ठीक है। और क्या है, ये है नेक्स्ट पॉइंट, ये है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट हैव फेल्ट, अब हमने ब्लेम लगाई थी, अब बांग्लादेश लगाएगा, बांग्लादेशी गवर्नमेंट भी ये ब्लेम लगाती है इंडिया के ऊपर कि जो इंडिया है बड़ी कंट्री है, वो इस एरिया में छोटी कंट्रियों पर दादागिरी करता है, हेजबनी दिखाता है। बांग्लादेशी गवर्नमेंट हैव फेल्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट बिहेव लाइक ए रीजनल बुली, रीजनल बुली क्या है, एक पावरफुल लोकल पावर, हेजबनी दिखाने वाला, दादागिरी करने वाला, ठीक है। वो तो ये क्या करता है, ऐसा बिहेव करता है जैसे कि इस एरिया का बड़ा क्या हो, पावरफुल हो, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, जो रिवर वाटर का शेयरिंग की जाती है ना, उसमें भी अपनी चलाता है इंडिया, अपने फेवर में करता है इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ भी दादागिरी दिखाता है। थर्ड क्या है, यहाँ पे जैसे हमने ब्लेम लगाया था वैसे ब्लेम लगा रखा है इसने भी, बांग्लादेश में एरिया है कि चिटगांव हिल, ठीक है, तो वहाँ पे रिबेलियन हो रहा है, यानी कि विद्रोह हो रहा है एंटी बांग्लादेशी, बांग्लादेश की कंट्री में ही बांग्लादेश के खिलाफ एक एरिया में चिटगांव में विद्रोह होता है, और उस एरिया में ये ब्लेम करता है बांग्लादेश की, इंडिया उन विद्रोहियों की सपोर्ट करता है, ठीक है, कि उसने भड़का रखा है दंगा इंडिया ने। तो एक पॉइंट ये है, चिटगांव हिल लोकेशन देख लो मैप में। अगला क्या है, अब एक ब्लेम और लगा रहा है बांग्लादेश इंडिया पे, वो कह रहे हैं इंडिया ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इस नेचुरल गैस, कि भारत बांग्लादेश की नेचुरल गैस पर अधिकार करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है नेचुरल गैस पे, ठीक है, ये भी है। अब एक पॉइंट और है, जो ट्रेडिंग होती है दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसमें अनफेयर ट्रेडिंग करता है, यानी गड़बड़ करता है इंडिया, किस में, ट्रेडिंग में, अनफेयर इन ट्रेड। तो दोनों कंट्री के बीच में ये सारी जो है इशू थे, एक इशू था हमारा बाउंड्री को लेकर, बाउंड्री का डिस्प्यूट हमने सोल्व कर लिया है 2016 में 2017 में, हमने एक बिल पास किया था पार्लियामेंट में, और उसमें जो है दोबारा से हमने बाउंड्रीज को क्या किया था, डिफाइन किया था बांग्लादेश और इंडिया की बाउंड्री कहाँ कहाँ से जाएगी और कौन से गांव इंडिया में आएंगे, कौन से बांग्लादेश में चले जाएंगे, दोबारा डिफाइन किया हमने, ठीक है, 2-3 साल पहले की बात है। ये तो हो गए हमारे डिफरेंसेस, लेकिन बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिलेशन भी हैं, हम कई मामलों में कोऑपरेट करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो रिवर है वो कॉमन है, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और बहुत सारे रिवर्स जो आती हैं नेपाल से या बिहार वगैरह से, उधर से निकल के असम से, उनमें क्या है कि बारिश के कारण जो है फ्लड आता है। अब वर्ल्ड की सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, असम में होती है, मेघालय में होती है, चेरापूंजी, मनीचरांग, उस एरिया में होती है, और हर बार जो है मानसून के टाइम पे वहाँ पे बारिश से फ्लड आता है, नदियाँ भर जाती है पानी की, जो है असम, मेघालय, बांग्लादेश, बिहार, बंगाल वगैरह सब डूब जाते हैं। तो ये हमारे क्या है, कॉमन थ्रीट है हमारा, ये कॉमन थ्रीट है हमारा, मिलजुल के कोऑपरेट करके इस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा यही है पॉइंट है, क्या बांग्लादेश एंड इंडिया डू कोऑपरेट ऑन मैनी इश्यूज, फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिखना है, भाई हमारे डिस्प्यूट तो हैं ही, डिफरेंस तो हैं ही, लेकिन साथ में हम कोऑपरेट भी करते हैं कई इश्यू पे। कौन सा है, एक तो है इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है, हमारा इकोनॉमिक रिलेशन ठीक है इसके साथ में। दूसरा क्या है, हमने एक पॉलिसी बना रखी है, उसको कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, पहले इसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया ने बना रखी थी इंडियन गवर्नमेंट ने, अब इसका नाम जो है वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में गवर्नमेंट ने क्या किया, नाम चेंज कर दिया कि लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये, क्योंकि केवल देखना नहीं है, हमने एक्ट करना है, काम करना है, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना रखी है, उसका पार्ट है बांग्लादेश, यहाँ पे लिख लो बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या पॉइंट है, इस पॉलिसी का हमने क्या करना है, ये क्यों बनाई है, क्योंकि हमने साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार बढ़ाने हैं, और बीच में बर्मा भी आएगा, म्यांमार, और साथ में बांग्लादेश भी आएगा, तो सबको लेके चलेंगे हम यहाँ पे, और हमारा ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो दैट वांट्स टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार, ठीक है, म्यांमार से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह,
वहाँ तक व्यापार करेंगे, हम मिलजुल के इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये है। अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट का, जो मैंने बताया था रिवर्स के इश्यू पर, फ्लड वाले इश्यू पर डिजास्टर का, और एक है एनवायरमेंटल इश्यू का, इस पर भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज बात कर रही है और आपस में इसमें एक्सचेंज करते हैं अपने विचारों को। एनक्लेव क्या होता है, सेमिनार वगैरह होते हैं जो, उनको एक्सचेंज करते हैं, कभी वहाँ पे होगा कभी हमारे यहाँ पे होगा, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है बात है हम उनको शेयर करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों कंट्री मिलकर यहाँ पे काम कर रही है और उसी की ज़रूरत है यहाँ पे। अगली कंट्री है नेपाल, छोटी सी कंट्री है हमारे पड़ोस में, इसके हमारा रिलेशन ठीक है कुल मिला के, लेकिन फिर भी नेपाल का झुकाव चाइना की ओर है, इसलिए थोड़ा सा हम डर लगता है, ठीक है। और नेपाल इसलिए डरता है क्योंकि ये एक छोटी कंट्री है, इंडिया बड़ी कंट्री है, और इसको लगता है कि ये इंटरफेयर करेगा इंडिया हमारे मामलों में, ठीक है। नेपाल इंडिया एंजॉय वेरी स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, अगले पेज पे है ये। अब नेपाल और इंडिया के लोग आपस में विदाउट एनी वीज़ा एंड पासपोर्ट जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नेपाल जाना हो तो साइकिल उठाओ, बाइक उठाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, या पैदल चले जाओ जिसके पड़ोस में है। तो नेपाल जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं रिक्वायरमेंट होती, ठीक है, कोई चेकिंग कुछ ना कोई वहाँ पे देखता, ओपन है हमारी यहाँ पे बाउंड्रीज। तो यहाँ पे क्या है, दोनों कंट्री के बीच में ट्रेडिंग का रिलेशन था पहले, वो भी डिस्प्यूट था, सोल्व हो गया है, और अपनी बाउंड्री भी ठीक है, लेकिन कुल मिला के क्या है, यहाँ पर इंडिया जो है खुश नहीं है एक बात से, किससे, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑफन एक्सप्रेस डिसप्लेजर, अपने नाखुशी जाहिर करती है, किस बारे में, एट द वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना, ठीक है। नेपाल और चाइना के बीच में जो खिचड़ी पकड़ी है, जो रिलेशन बन रहे हैं, उनसे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमने सदा ही नेपाल की हेल्प की है, और नेपाल हमारा शुरू से ही हिंदू राष्ट्र रहा है, मित्र रहा है, छोटा सा देश, ठीक है। और अब ये चाइना की ओर झुकाव हो गया, इसका क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी है माओवादी पार्टी, वो चाइना को सपोर्ट करती है, चाइना की ही फॉलोवर है वो, ठीक है, क्योंकि माओ चाइना का साथ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेपाल गवर्नमेंट ने क्या किया, नेपाल गवर्नमेंट भी कई बार क्या करती है, जो हमारे एंटी इंडियन कैंपेन चलाने वाले ग्रुप हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, वो इंडिया में अटैक करके भाग जाते हैं, नेपाल छुप जाते हैं, तो नेपाल उस पर एक्शन नहीं करता, तो हम इससे भी नाराज हैं। ये अगला पॉइंट यही है, नेपाल गवर्नमेंट इन एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स, जो एंटी इंडियन एलिमेंट हैं, मिलिटेंट हैं, ग्रुप हैं, उन पे एक्शन नहीं लेता नेपाल, ठीक है, क्योंकि वो तो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, जैसे माओवाद वहाँ पे भी है और माओवाद इंडिया में भी फैला हुआ है, ये चाइना से आया, रशिया से आया लगभग, ठीक है। अब है इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी सी माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल, जो नेपाल में माओ मूवमेंट हुआ था उसका खतरा जो है इंडिया को भी था, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा था माओ मूवमेंट, और वो बढ़ते बढ़ते बिहार बंगाल इंडिया में कई जगह फैल गया, यानी कि बिहार से लेके आंध्र प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ वगैरह, उड़ीसा वगैरह सब में फैला हुआ है, और जब इंडियन आर्मी आती है तो उन पर अटैक करता है, पुलिस पर अटैक करता है, स्कूलों को जला देता है, और नक्सलवाद फैला हुआ है यहाँ पे, वो भी माओ के ही ग्रुप का एक जो है एक ग्रुप है, भी अलग से माओ और नक्सल दोनों ही सेम फॉलो आइडियोलॉजी का चलते हैं, ठीक है। तो इन पे जो है नेपाल में भाग जाते तो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया करती नेपाली गवर्नमेंट, हम इससे बड़े खुश नहीं है। आगे क्या है, नेपाल भी कुछ सोचता है हमारे बारे में, नेपाल थिंक दैट इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर, इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है किसमें, नेपाल के इंटरनल अफेयर में। ऐसा कौन कहता है, नेपाल गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया बड़ा है, वो हमारे इंटरनल मैटर में अफेयर करता है, वो इंडिया डिजाइन ऑन इट्स रिवर वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो इंडिया है वो रिवर वाटर को और जो डैम वगैरह बनाने हैं या बिजली के लिए बनाने हैं, एनर्जी के लिए बनाने हैं, उन सबको अपने तरीके से डिजाइन करता है, यानी कि अपने फेवर में डिजाइन करता है, अपने फेवर में लेता है उन चीज़ों को, रिवर वगैरह के पानी को, ठीक है। और नेपाल को प्रिवेंट करता, रोकता है नेपाल को, किस बारे में रोकता है, नेपाल एक लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड कैसे, चारों ओर जमीन है, ओशियन नहीं है, सी नहीं है, पोर्ट नहीं है, ठीक है। अगर नेपाल को समुद्र से जाना हो कहीं तो कहाँ से जाएगा, इंडिया से होकर जाएगा, तो नेपाल कहता है कि इंडिया हमें प्रिवेंट करता, रोकता है समुद्र में जाने से। प्रिवेंट नेपाल ए लैंड लॉक्ड कंट्री फ्रॉम गेटिंग इजियर एक्सेस टू सी थ्रू इंडियन टेरिटरी, ठीक है, ये पॉइंट है, इंडिया अपने टेरिटरी से जाने देता, ये कह रहे हैं नेपाल। आगे क्या है, कुल मिला के क्या है, इंडिया और नेपाल के रिलेशन
फेयरली है, स्टेबल है, पीसफुली है, ठीक है, ट्रेडिंग हो रही है, कोऑपरेशन हो रहा है, तो कुल मिलाकर इससे हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हैं, ठीक है। बस इसका झुकाव थोड़ा सा चाइना की ओर है, उसको लेके हम परेशान हैं। आगे क्या है, डिफरेंसेस रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। अब श्रीलंका में हमने पढ़ चुके हैं पहले से ही क्या हुआ था, ठीक है, इसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमारे सेना गई थी यहाँ पे एक बार, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्टून था, कोई कार्टून ओके नेक्स्ट पेज जो होगा। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि किस तरह से हमारे रिलेशन श्रीलंका से है। अब यहाँ पर जब हमने एक बार आर्मी भेजी थी, उसका जो है लिट्टे नाराज़ हो गए, लिट्टे ने तमिल लिट्टे ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट से नाराज़ हो गए, उस टाइम के जो पीएम थे अपने राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे श्रीलंका के इंटरनल ट्रबल में। ये पॉइंट है, वो गवर्नमेंट नाउ प्रेफर ए पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट है, हम एंगेजमेंट नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे किसमें, श्रीलंका के इंटरनल प्रोग्राम में या ट्रबल्स में, जो परेशानी उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, दूर दूर खड़े रहेंगे हम तो केवल। दूसरा क्या है, इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका, ये भी पॉइंट अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट है। इंडिया ने क्या किया है, अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है श्रीलंका से, ठीक है, बाउंड्री पे कम टैक्स लगता है हमारा आपस में ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और क्या है, जब सुनामी आई थी श्रीलंका में, तमिलनाडु में, हमने क्या किया, दोबारा से निर्माण करवाया वहाँ पे, श्रीलंका में हेल्प की थी, वो हमारा अच्छा फ्रंट बन चुका है इसके लिए भी, ठीक है। पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन इन श्रीलंका हमने हेल्प की थी इसमें, ठीक है। तो अच्छा रिलेशन हमारा श्रीलंका से भी है। अगला है छोटी सी कंट्री भूटान। भूटान क्या है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी पहले भूटान में मोनार्ची हुआ करती, और ये एक क्वेश्चन आता बार बार से, जब नॉर्थ ईस्ट में जो एंटी इंडियन एलिमेंट है, भारत विरोधी जो लोग हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, माओस्ट हैं, नक्सलवादी हैं, वो इंडियन आर्मी पे अटैक करके कहाँ भाग जाते हैं, वो नेपाल में और भूटान में छुप जाते हैं। नेपाल ने तो एक्शन लिया नहीं, लेकिन भूटान की गवर्नमेंट ने उन पर एक्शन लिया और उनको वहाँ से हटा दिया, भगा दिया, पकड़ लिया गोरिल्लास को, ठीक है, जो वहाँ पे टेररिस्ट रहा करते, इंडिया के खिलाफ काम किया करते। तो इंडिया को इसमें बड़ी हेल्प मिली थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, वहाँ छुप जाते हैं लोग जाके भूटान के अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, द भूटानी मोनार्च, भूटान के किंग ने क्या किया, टू विड आउट द गोरिल्लास एंड मिलिटेंट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दैट ऑपरेट इन हिज कंट्री हैव बिन हेल्पफुल टू इंडिया। इसको विड आउट किया, यहाँ से भगा दिया, पकड़ लिया, मार दिया, जो नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट हुआ करते, छुप जाया करते भूटान में जाके, इंडिया को हेल्प मिली इसमें बहुत बड़ी। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी इसकी हेल्प की है, किसमें, इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान। भूटान में जो बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है, डैम बन रहा है, रिवर्स वाटर है, उनमें हम बड़ी हेल्प कर रहे हैं और इनको डेवलपमेंट के लिए बड़ी एड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं इनको, किसको, भूटान को। भूटान हमारा रियली अच्छा फैन है, ठीक है। अगली कंट्री छोटी सी मालदीव है। मालदीव में कुछ ना हुआ वैसे तो, लेकिन हमने इनकी हेल्प की थी एक बार। क्या हुआ था, जो मालदीव है वो आइसलैंड है, इंडियन ओशन में है, श्रीलंका के पड़ोस में है। तो श्रीलंका से कुछ तमिल उग्रवादी या डाकू या फिर मर्सेंट्री बोलते हैं उनको, यानी कि जो भाड़े के सैनिक होते हैं उनको ये बोलते हैं, तमिल मर्सेंट्री फ्रॉम श्रीलंका अटैक्ड द मालदीव। 88 में क्या हुआ, तमिल से, श्रीलंका से कुछ लोग थे, तमिल लोग थे, भाड़े के सैनिक थे, उन्होंने अटैक कर दिया मालदीव के ऊपर। मालदीव ने हमसे हेल्प मांगी, हमने अपनी आर्मी को, इंडियन आर्मी को, नेवी को क्या किया, रिस्पोंड किया, रेडी किया, और उनको ऑर्डर दिया कि मालदीव को बचाओ। तो हमारी आर्मी ने बचा लिया मालदीव को, उनकी रिक्वेस्ट मान के, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन यहाँ भी अच्छे हैं मालदीव से। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया, क्योंकि मालदीव एक आइसलैंड है, इंडियन ओशन में है, तो वहाँ पर टूरिज्म का बहुत स्कोप है, टूरिज्म का स्कोप है, और वहाँ पे साथ में क्या है, फिशरीज का बड़ा स्कोप है, फिशरीज है समुद्र के बीच में मछली पकड़ने वाला, और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे हम काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मालदीव में। तो ये था हमारा छोटी सी कंट्री मालदीव के साथ, भूटान के, नेपाल के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। एक ये देख लो मैप है छोटा सा, ये मैप नहीं है तो कार्टून है, इसमें क्या है, सार्क के बारे में दे रखा हुआ, ये दे रखा है कि साउथ एशिया की जो कंट्री हैं सारी हमारे पड़ोस में छोटी मोटी,
उन सब को मिला के हमने क्या बना ग्रुप बना रखा है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेशन करने के लिए साउथ एशियाई कंट्रीज ने कर रखा है ये। इसमें 7 मेंबर हैं, 7 कंट्रीज शामिल हैं, लेकिन अब एक और शामिल हो गई है। पहले पेज पर टाइमलाइन में देख लो, अब अफगानिस्तान भी इसकी मेंबर है सार्क की, ठीक है। तो यहाँ जो है मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे मेन कंट्री दो है, इंडिया और पाकिस्तान, इनके बीच में डिस्प्यूट रहता है, इसीलिए जो है सार्क अब इतना खास सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि हमारे डिस्प्यूट सोल्व नहीं होते आपस में। तो आगे हम क्या बढ़ेंगे इस चीज़ में, जब सोल्व कर लेंगे तब सार्क अच्छा से काम कर पाएगा। एक ये वाला कार्टून देख लो, इसमें दिखा रखा है कि किस तरह से साउथ एशिया में दो बाहरी पावर जो है आउटसाइडर पावर्स हैं, दो कंट्री हैं जो इंटरफेयर करती हैं, एक चाइना एक यूएसए। पहले पे देख लो कार्टून में दे रखा है, ये इंडिया है इंडियन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, और ये है पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ, आग लगा रहे हैं। ये बीच में चाइना के प्रेजिडेंट हू जिनताओ है। तो हू जिनताओ जब मिलने आए थे इसी अटल बिहारी वाजपेयी से, तो ये जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या कहता था इसको कि आप केवल ट्रेड कॉमर्स पे बात मत करो, हमारे जो इश्यू है ना, मतभेद हैं, डिफरेंसेस है इंडिया पाकिस्तान के, उनके बीच में आके आप बात करो, हमारा सुलह करवाओ, ठीक है। तो ये है पाकिस्तान और ये इंडिया, और बीच में चाइना, यानी चाइना भी इंटरफेयर करता है बहुत बार। इंडिया आपने देखा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के जो इश्यू कश्मीर पर, उस पर मीडिएटर बनना चाहता है। दूसरी बात क्या है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है हम बैन कराना चाहते हैं, और ये वीटो पावर यूज़ कर लेता है चाइना, यानी कि पाकिस्तान को बचाता है हर बार हमारे खिलाफ, ठीक है, यूएनओ में। एक है दूसरा पावर है ये यूएसए, बीच में बैठा हुआ है बंदर। ये क्या कर रहे हैं, जब दो पाकिस्तान और इंडिया हैं दोनों, ये लड़ रहे हैं आपस में, ये खेल का मैदान दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या बाउंड्री हमारी है, ये बाउंड्री डिस्प्यूट है कश्मीर का, और ये बॉल पड़ी हुई है, वो कह रहे हैं ये फैसला कौन करेगा, ये करेगा एम्पायर, एम्पायर कौन है, यूएसए। तो बाहरी पावर कौन है, यूएसए हमारे मामलों में इंटरफेयर करता है साउथ एशिया के मामले में, ठीक है। कश्मीर के इसे पिछले कहा था कि मैं मीडिएटर बनूंगा, रेडी हूँ मीडिएटर के लिए, हमने मना कर दिया, तुम कौन, तो खान खा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है पीस एंड कोऑपरेशन। अब ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा है, हमारे बीच में डिफरेंसेस तो है साउथ एशिया कंट्री में, लेकिन साथ में पीस और कोऑपरेशन भी है। किन किन इश्यूज़ पे हमारे कोऑपरेशन है, पीस है, वो देखना है, बड़ी अच्छी बात है ये। फर्स्ट तो पॉइंट एक है, हमने सार्क बना रखा है। सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पहली बात इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, जिसको नहीं पता वो याद कर लेंगे इसको अच्छे से। दूसरा क्या, इसकी क्या खास बात है, क्यों बना रखा है, हमने ये बना रखा है रीजनल कोऑपरेशन के लिए बना रखा है, ताकि डेवलपमेंट हो जाए सबकी, ठीक है। और थर्ड क्या है, इसके अंदर हमने एक सॉफ्ट टाइम की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना रखा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है कि जो साउथ एशियन है कंट्री, उनके बीच में फ्री ट्रेड होगा आपस में सबकी, कम से कम टैक्स लगेगा ट्रेडिंग के लिए, ठीक, सबका फायदा होगा इसमें। लेकिन ये फेल हो गया, खास नहीं बना, क्यों, क्योंकि जो छोटी कंट्री वो चाहती हैं कि जो इंडिया है वो तो अपनी यहाँ पे हेजमनी दिखाना चाहता है, या अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, या इन्वेड करना चाहता है हमारे मार्केट को, ये सोच लिया। लेकिन असली बात ये है कि हमें सफ्टा का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो ऑलरेडी अलग अलग कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका वगैरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेन क्वेश्चन अभी ये है कि सफ्टा कब बना एग्रीमेंट, ये है वो क्वेश्चन। द एग्रीमेंट वाज साइन इन 2004 एंड केम इन टू इफेक्ट ऑन जनवरी 2006। 2004 में साइन हुए, बना, और इफेक्ट कब से हुआ, ये हुआ है लागू हुआ है 2006 से, लेकिन खास सफलता नहीं मिलाई, मिल पाई, क्योंकि सार्क भी जो है इंडिया और पाकिस्तान की भेंट चढ़ गया, लड़ाई की भेंट चढ़ गया, ठीक है। और ये सफ्टा है, इसमें यह है कि सफ्टा के खास उद्देश्य क्या थे, हम इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं आपस में, कोऑपरेशन करके सभी कंट्रियाँ डेवलप हो सके एशिया की। और ये सफल क्यों ना पाया, इसका ये क्वेश्चन का आंसर ये है, जो हमारे नेबर्स है वो क्या सोचते हैं, अवर नेबर्स फियर, डरते हैं वो, अवर नेबर्स फियर्स दैट सॉफ्टा इज अ वे, सॉफ्टा एक तरीका है किस चीज़ का, फॉर इंडिया टू इन्वाइट देयर मार्केट। इंडिया जो है इन्वाइट कर लेगा किसको, हमारी मार्केट को और हमारी सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा, ठीक है, किससे, अपने कमर्शियल वेंचर और कमर्शियल प्रेशर से, ठीक है। यानी कमर्शियल प्रेजेंस होगी हमारी, इनकी इन कंट्रीज़ में, इंडिया की मार्केट बनेगी, या इंडिया के वहाँ प्रोडक्ट बिकेंगे, इंडिया कोई कंपनी लगाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग करेगा, उससे क्या होगा, इंडिया पूरी मार्केट में कब्जा कर लेगा, इन्वाइट कर लेगा, ये डर है छोटी कंट्रीज को, इसीलिए जो है ये सफल नहीं हो पाया, ये क्वेश्चन नोट कर लो। और ये है सॉफ्टा, क्या नाम, इंडिया ने हमारे जो है अलग अलग कंट्री से क्या कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है,
किस चीज़ में? फ्री ट्रेड के लिए, भूटान से, नेपाल से, श्रीलंका से, तीन कंट्री से यहाँ पे कर रखा है, और साउथ ईस्ट की कंट्रीज है उनसे भी कर रखा है हमने ट्रेडिंग, फ्री ट्रेड। अब है ये कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो ऐसे चलेंगे या सुधार हो जाएगा, बैलेंस रहेगा या क्या रहेगा, इनके बारे में दे रखा है यहाँ पर, सोल्यूशन कैसे निकलेगा इस पेज पर दे रखा है। हम इसको देखते हैं कि बाहरी जो पावर है आउटसाइडर, वो कैसे इंटरफेयर करती है साउथ एशिया में, और किस तरह से इनके खुद के इंटरेस्ट हैं, फायदे हैं इसमें। ठीक है, अब देख लो इस चीज़ को। ये रहा पॉइंट इस पैराग्राफ को देखो, लास्ट को, नो रीजन एग्जिस्ट इन ए वैक्यूम, यानी कि कोई भी एरिया है या कोई भी क्षेत्रीय संस्था है वो केवल हवाओं में नहीं उठती, वो धरातल पे होती है, उनके ऊपर बाहर का प्रभाव भी पड़ता है और अंदरूनी जो है कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। इसका मीनिंग ये है पहले लाइन का। अब क्या है कि इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइडर पावर, ठीक है, ये दे दिया यहाँ पे कि आउटसाइड पावर से भी ये प्रभावित होता है और इंटरनल भी होते हैं इनके आपस में डिस्प्यूट। अब यहाँ पे कौन है इंटरफेयर करने वाले? दो कंट्री हैं, चाइना एंड यूएसए। चाइना में कैसे? देखो यहाँ पे दे रखा है, चाइना एंड यूएस दो कंट्री है, रिमेन की प्लेयर इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। ये अलग क्वेश्चन आता है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, हु इज द की प्लेयर इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स एज ए आउटर पावर्स। ठीक है, आउटसाइड पावर है, दोनों बड़ी कंट्री हैं यूएसए चाइना, साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्या करती हैं, अपने इंटरफेयर करती हैं बारी बारी से। ठीक है, पहला देख लो कैसे, एक है ये, ये रहा, वैसे हमारे चाइना से अच्छे रिलेशन है लेकिन चाइना का झुकाव पाकिस्तान की ओर है। ये रहा, चाइना स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान रिमेन ए मेजर इरिटेंट, ये है पॉइंट। वो चाइना ने पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट कर रखा है, चाइना अपना सिल्क रूट बना रहा है, सिल्क रूट पहले पुराना हुआ करता, चाइना से लेके कश्मीर के ऊपर जाके पूरे पाकिस्तान से आगे ईरान इराक होते हुए यूरोप में जाया करता, दोबारा बना रहा है इसको ये। चाइना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पूरी कंपनी जो है चाइना की है, और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कहीं पे रोड बना रहे हैं, कहीं पे डैम बना रहे हैं, कहीं पे ये पोर्ट बना रहे हैं, तो बहुत सारे डेवलपमेंट जो है चाइना कर रहे हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में, क्योंकि चाइना इन्वाइट कर रहा है इस मार्केट को, पूरी साउथ एशिया वाली को। उधर से जो यूएस से चाहता है कि वो भी इंटरफेयर करे, लेकिन चाइना यूएस को, बाकी कंट्रीज को रोकना चाहता है और खुद जो है अलग अलग कंट्री में आके अपने कैंप बना रहा है, ठीक है, ब्लॉक बना रहा है। तो ये जो है चाइना की पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ में। और क्या है इसमें देखो ध्यान से, वो है यूएसए, वो क्या करेगा? हाँ, एक पॉइंट ये है, देखो ये तो था नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि आज का जो दौर है, एरिया है, या आज का जो वर्ल्ड है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन का है। तो ग्लोबलाइजेशन के जो दौर है, समय है, इसमें डेवलपमेंट की बहुत डिमांड है। तो डेवलपमेंट कैसी होगी? वो आपस में जुड़ के होगी, कोऑपरेशन से होगी, बातचीत करने से होगी, मार्केट ओपन करेंगे तो आपस में ट्रेडिंग भी होगी, तो ठीक है ना। तो ये पॉइंट है वो, द डिमांड ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन हैव वोल्ड टू एशियन गेंट क्लोजर। टू एशियन गेंट कौन से हो गए? इंडिया एंड चाइना, इन दोनों को पास में ला रहा है। कौन ला रहा है? ग्लोबलाइजेशन ला रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो रिलेशन हैं चाइना से वो अभी किस बेस पे बनेंगे? इकोनॉमी बेस पे बनेंगे, ट्रेडिंग बेस पे बनेंगे, ठीक है, और डेवलपमेंट के बेस पे बनेंगे। तो हम दोनों इकट्ठे होना पड़ेगा तभी हमारी डेवलपमेंट होगी, आज के दौर की यही डिमांड है, ठीक है। सेकंड प्लान क्या है? हमने अपनी मार्केट ओपन की थी 1991 में, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, जो यूएसए है, यूएसए के लिए बड़ी मार्केट है ये इंडिया और साउथ एशिया, उसके अपने इंटरेस्ट है इकोनॉमिकली और साथ में आइडियोलॉजिकली, दोनों तरीके हैं। तो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट रहती है साउथ एशिया के अंदर, कोल्ड वार में भी रही, बाद में भी रही, अभी भी चलती है, और उसके रिलेशन जो है यूएस के इंडिया से बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान से भी अच्छे हैं, दोनों के साथ यहाँ पे दे रखा है। यूएस हैज़ हैड गुड रिलेशन विद पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ, ठीक है, तो दोनों से बढ़िया रिलेशन है अभी भी, दोनों से मीडिएटर में काम करता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रखे हैं, अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर रखा है, इकोनॉमिक पॉलिसी हमने रिफॉर्म कर रखी है, इसीलिए जो है यूएस के लिए यहाँ पे इस रीजन में जो है बहुत अच्छे इंटरेस्ट हैं, फ़ायदा है इस चीज़ का।
अपनी मार्केट का पूरा सामान जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में वो बेच सकते हैं। अगला क्या है कि जो साउथ एशियन के लोग हैं, इसको बोलते हैं साउथ एशियन डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है, इंडियन लोग किसी और कंट्री में, यूएस में रहते हैं मान लो, तो यूएस में जो लोग रहते हैं इंडियन, उसको बोलेंगे डायस्पोरा ऑफ इंडिया। अगर वो साउथ एशिया के, तो साउथ एशियन डायस्पोरा कहते हैं इसको। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है यूएसए को, क्योंकि तो हमारे जो वर्क काम करने वाले लोग वहाँ पे गए हुए हैं, पढ़े लिखे सारे साइंटिस्ट भी हैं, नासा के वैज्ञानिक भी हैं, और गूगल का सीईओ देख लो इंडियन है, या फिर इसका देख लो पेप्सी का देख लो, आप किसी का भी देख लो उठा के, वॉलमार्ट वगैरह जो है बड़ी बड़ी कंपनी, सब में जो है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, सब इंडियन लोग करते हैं वहाँ पे जो। तो बहुत सारे लाखों लोग हैं यूएसए में रहते हैं इंडियन, और साउथ एशियन तो बहुत सारे हैं, उन सब का बेनिफिट यूएसए को मिलता है और उसकी इकोनॉमी चल रही है। दूसरा क्या है कि वहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो इंडियन या इंडियन गवर्नमेंट जो है, या मोदी का फ्रेंड है फ्रेंड ट्रंप, तो इलेक्शन में भी सपोर्ट मिलती है किसको, जो पार्टी इंडिया से सहयोग मांगती है, जैसे कि ट्रंप की हेल्प की थी मोदी ने, और अपने वोट जो है वहाँ जो डायस्पोरा है हमारा लोग हैं इंडियन, उन्होंने सपोर्ट किया था ट्रंप को। ऐसे ब्रिटेन में जो है हमारे लोग रहते हैं, हमने ब्रिटेन में अभी इलेक्शन हुआ, हमने जिस पार्टी को वोट दिया वही पार्टी जीत के आ गई है, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी है। तो इस तरह से जो है डायस्पोरा बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। थर्ड क्या है, ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड मार्केट। जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी साउथ एशिया की, इसमें बड़ी बड़ी कंट्री आ गई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी है और मार्केट बहुत बड़ी है, लोग खरीदते हैं यहाँ पे, इसीलिए जो है अमेरिका के लिए फ़ायदा है, रीजन में शांति बने रहे, पीस बने रहे, सिक्योरिटी बने रहे, ठीक है। द ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन मार्केट ऑफ द रीजन आल्सो गेव अमेरिका एन एडिड स्टेक द फ्यूचर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस, ठीक है। तो यहाँ पे पीस सिक्योरिटी बने रहेगी तभी इसका फायदा है इसको भी। अगला पॉइंट यहाँ पे ये दे रखा है, कॉन्क्लूजन है ये पूरे चैप्टर का, भाई हमारे आपस में जो है डिस्प्यूट तो है, लेकिन फिर भी क्या है, वेदर साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू बी नोन एज ए कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन और विल इन्वॉल्व इन टू रीजनल ब्लॉक विद सम कॉमन कल्चरल फीचर एंड ट्रेड इंटरेस्ट। ये कह रहा है कि हमारे डिस्प्यूट होते हुए भी क्या हम ऐसे चलते रहेंगे, या हम शांति कर लेंगे, या फिर यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन बना रहेगा, या फिर यहाँ पे जो है हमारे सेम कल्चर होते हुए, सेम इंटरेस्ट होते हुए भी, ट्रेडिंग इंटरेस्ट होते हुए भी क्या करेंगे हम इस पर, ठीक है, कि हमारे जो है कल्चरल फीचर एंड ट्रेडिंग इंटरेस्ट किस पर डिपेंड करते हैं, हमारी अपनी गवर्नमेंट और हमारे अपने साउथ ईस्ट के लोगों पर डिपेंड करता है। यानी हमें आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, कोऑपरेशन करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, तभी जाके जो है इस एरिया में, साउथ एशिया में क्या आएगी, पीस एंड सिक्योरिटी और डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है, मेन चीज़ ये इसके अंदर। और ये कह रहे हैं कि जो एनी अदर आउटसाइड पावर है उससे बच के रहना है, उससे खुशहाली नहीं आएगी, केवल अपने आप से बातचीत करने से ही गवर्नमेंट के और पीपल्स के तभी आएगी, ठीक है। ये आपका चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी के, छोटे छोटे देख लो एक बार, आपने पढ़ तो लिया ही। आइडेंटिफाई द कंट्री, कंट्री को आइडेंटिफाई करना है किस तरह से, जैसे द स्ट्रगल अमंग प्रो मार्सी प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, यहाँ पे माओवादी है ये माओइस्ट, ठीक है। तो कहाँ पे थे तीनों, ये तीनों थे नेपाल में, फर्स्ट का आएगा नेपाल, सेकंड कौन सी है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी है यहाँ पे, लैंड दो कंट्री है, नेपाल भी है और भूटान भी है, लैंड लॉक्ड दोनों, और इनमें मल्टी पार्टी सिस्टम भी है दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे भूटान या नेपाल आएगा, ठीक है। थर्ड है फर्स्ट कंट्री लिबरलाइज्ड ईस्ट इकोनॉमी, श्रीलंका है। फोर्थ है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी, यहाँ पे पाकिस्तान है, कभी मिलिट्री कभी डेमोक्रेसी। अगला है सेंट्रल लोकेटेड इंडिया है, बीच में है, हमारी बाउंड्री लगती है सभी कंट्रीज से। अर्लियर द आइसलैंड, आइसलैंड है यहाँ पे मालदीव, क्योंकि वहाँ पे पहले सुल्तान हुआ करता, अब रिपब्लिक है ये। अगला है स्मॉल सेविंग एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव इन द रूरल एरिया, ये हमने पढ़ा नहीं है इसमें, लेकिन एक पॉइंट आता है, ये बांग्लादेश इसका आंसर है। बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में एक आदमी ने क्या किया, वहाँ के ग्रामीण इलाकों में गरीबी दूर करने के लिए, रिड्यूस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, तो क्या किया, ग्रामीण लोगों की हेल्प की, वहाँ पर ग्रामीण बैंक बनाए, ग्रामीण बैंक बनाकर लोगों को उसका मेंबर बनाया और उनको लोन प्रोवाइड करवाया। जब लोन दिया गया, छोटे मोटे लोन दे के लोगों ने काम शुरू किए, गाय भैंस पाल ली, बकरी पाल ली, खेती में लगा दिया, ट्रैक्टर ले लिया, इस तरह से क्या किया, जब पैसा आया किसानों को, ग्रामीणों को, तो उसने बैंक को वापस कर दिया पैसा, और इससे क्या हुआ, खुशहाली बढ़ी वहाँ पर, ठीक है। तो ग्रामीण बैंक के माध्यम से लोकल जो है रूरल
पॉवर्टी को रिड्यूस किया था उसने स्मॉल सेविंग के थ्रू और क्रेडिट के थ्रू कोऑपरेटिव करके, ठीक है। तो बांग्लादेश में था, उस बंदे को नोबेल प्राइज मिला था बाद में, ठीक है। तो ये अभी पुरानी बात नहीं हुई है, थोड़े से पहले साल की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। अगला क्वेश्चन है लैंड लॉक्ड कंट्री विद ए मोनार्की। साउथ एशिया में केवल एक जगह मोनार्की है, वो है भूटान, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। बड़े क्वेश्चन में PDF फाइल में डाल दूंगा, छोटे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे सारे, बड़े भी यहीं से बनेंगे। चैप्टर को ठीक से समझ लो, सारे लोकेशन को मैप पे देख लो, और पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं वो ध्यान से कर लो, छोटे बड़े सभी क्वेश्चन इसी में से आएगा, ये गारंटी है। 100/100 यहीं से आएंगे। ओके, थैंक यू।